हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स री इनकारनेशन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वो गॉड चैप्टर 2821 हजार आठ सौ टू दो धातु का किला धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा इसकी पूरी आकृति अंत सभी की आंखों के सामने आ गई पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया दूर से जमीन से लगभग एक दर्जन मीटर ऊपर मंडराता हुआ कई किलोमीटर चौड़ा और सैकड़ों मीटर लंबा धातु का राक्षस किसी प्रकार के सोए हुए द्वीप राक्षस जैसा लग रहा था इस धातु राक्षस की उपस्थिति के साथ दस शून्य 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 गज के दायरे में मन इस पर एकत्रित होना शुरू हो गया यहां तक कि कई सौ गज की दूरी पर खड़े खिलाड़ी भी अपने चारों ओर घने मन के प्रवाह को महसूस कर सकते थे सभी की आंखें लगभग बाहर की ओर झुक गईं यहां तक कि फ्लाइंग शैडो जिसने गॉड्स डोमेन में अपने करियर के दौरान कई शानदार दृश्य देखे थे भी अवाक रह गया काफी समय बीत जाने के बाद ही वह अपनी उलझन से बाहर निकलने में कामयाब हो सका एक स्काई सिटी नहीं यह एक किला है इसके अलावा यह एक आकाशीय किला है जो चलने फिरने में सक्षम है एक आसमानी किला मैं शायद सपना देख रहा हूं जब एकत्रित खिलाड़ी शुरुआती सदमे से उभरे तो एक के बाद एक विस्मयादिबोधक गूंजने लगे जैसे ही सभी ने अपने सामने स्टील के किले को देखा उनके मन में उत्साह अविश्वास और पागलपन उमड़ पड़ा विशेष रूप से अनैलडिंग सोल और क्रिमसन एम्पायर के सदस्यों ने जीरो विंग के सदस्यों को एशिया की दृष्टि से देखा इस समय गॉड्स डोमेन पहले से ही एक वास्तविक दुनिया जैसा बन चुका था कई लोगों के लिए खेल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था अनेक शानदार दृश्य जो वास्तविक दुनिया में नहीं मिल सके उन्हें गॉड्स डोमेन में पाया जा सकता है इसके अलावा अभी भी अनगिनत अज्ञात मानचित्र और अज्ञात दृश्यावली खोज की प्रतीक्षा में थी इस अद्भुत दुनिया में हर किसी के अपने अपने सपने थे इन सपनों में सबसे बड़ा सपना आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की क्षमता हासिल करना होगा हालांकि गॉड्स डोमेन में फ्लाइंग माउंट्स अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम विशेषज्ञ हासिल कर सकें यहां तक कि विभिन्न महाशक्तियों के पास केवल कुछ ही फ्लाइंग माउंट थे फिर भी ऐसे युग में जहां शायद ही कोई फ्लाइंग माउंट था जीरो विन ने वास्तव में एक स्काई किला प्राप्त किया था इस तथ्य पर कौन पागल और ईर्ष्यालु नहीं होगा इकट्ठे हुए खिलाड़ियों के हैरान भावों को देखकर अथर्व ने हंसते हुए कहा ठीक है मैंने पहले ही सभी को प्रवेश की अनुमति दे दी है अब आप अंदर जा सकते हैं जादूगर टीम मेरे पीछे आओ वास्तव में अथर्व के मन में भी मोबाइल किले के प्रति गहरी लालसा थी अतीत में वह विभिन्न सुपर गिड्स के मोबाइल किलों को केवल दूर से ही देख सकता था चूंकि ये मोबाइल किले आमतौर पर रणनीतिक स्थानों पर तैनात किए गए थे जैसे कि लेवल 150 प्लस मानचित्र उन्हें कभी भी जनता के लिए नहीं खोला गया था अधिक से अधिक वे सुपर गिल्ड अपने सहयोगियों को अपने मोबाइल किले पर जाने की अनुमति देंगे बाकी सभी को अंदर जाने से रोक दिया गया अब आखिरकार उसने अपना खुद का एक मोबाइल किला हासिल कर लिया है जैसे ही अथर्व ने बोलना समाप्त किया एकत्रित भीड़ तुरंत किले के, के खुले स्टील गेट में कूद गई जैसे ही सभी लोग किले में दाखिल हुए उन्हें एक और झटका लगा ऐसा इसलिए था क्योंकि मोबाइल किले का आंतरिक भाग बाहर की तुलना में बिल्कुल अलग दुनिया जैसा था न केवल किले के, के आंतरिक भाग में आश्चर्यजनक रूप से घना मैना था बल्कि इसने मैना के साथ खिलाड़ियों की आत्मीयता भी बढ़ा दी यहां तक कि मन के प्रति असंवेदनशील लोग भी मन के साथ अपनी आत्मीयता में उल्लेखनीय सुधार महसूस कर सकते हैं इस किले का पर्यावरणीय प्रभाव उनके द्वारा देखे गए किसी भी शहर की तुलना में कहीं बेहतर था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किले के अंदर हर कोई महसूस कर सकता था कि उनके शरीर को नष्ट करने वाली विदेशी ऊर्जा तेजी से गायब हो रही है कुछ मोटी गणना करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किले के अंदर एक घंटे आराम करने से बाहरी दुनिया में एक दिन आराम करने के समान ही स्वास्थ्य लाभ मिलता है इस लाभ से उनकी लेवलिंग गति में काफ़ी वृद्धि होगी इसके अलावा किले में एकाग्रता बहाली को बढ़ावा विभिन्न गिल्ड शहरों की तुलना में कम से कम दो या तीन गुना अधिक मज़बूत था बकवास अगर मैं यहां आराम कर सकूं और अपने कौशल को प्रशिक्षित कर सकूं, तो मैं संभवतः स्टोन फॉरेस्ट सिटी के कॉम्बैट रूम में प्रशिक्षण से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकता हूं यदि आप यहां युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण लेंगे तो संभवतः आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे क्योंकि युद्ध तकनीकों में मैना नियंत्रण पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है इस बीच इस स्थान पर मैना आत्मीयता को जो बढ़ावा मिलता है उससे किसी के मैना नियंत्रण में महत्वपूर्ण अंतर से सुधार होने की संभावना है मोबाइल किले में प्रवेश करने के बाद सभी को इसके छिपे हुए लाभों का एहसास हुआ और उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी गॉड्स डोमेन में आराम करना खिलाड़ी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था वास्तव में अधिकांश खिलाड़ियों ने खेल में लगभग एक तिहाई समय आराम करने में बिताया यहां तक कि लड़ाकू कट्टरपंथियों ने भी अपने समय का कम से कम पांचवां हिस्सा आराम करने में बिताया यह विशेष रूप से लेवल 100 सौ से अधिक तटस्थ मानचित्रों में काम करने वाले खिलाड़ियों के लिए सच था जहां विदेशी ऊर्जाएं लगातार उनके शरीर को क्षतविक्षक कर रही थीं संक्षारण एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को न चाहते हुए भी आराम करना होगा अन्यथा मौत उन पर कब्जा कर लेगी इसलिए बाकी क्षेत्र खिलाड़ियों के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थे जब तक खिलाड़ी के पास आराम करने के लिए अच्छी जगह होगी उनकी समतल गति और आत्मसुधार की गति दोनों में काफी सुधार होगा यह विशेषज्ञ खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से सच था पीक विशेषज्ञ जल्दी ठीक होने के लिए राज्यों और साम्राज्यों की राजधानियों का दौरा करने के लिए उच्च कीमतें भी चुकाएंगे ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शहर ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ बेचते थे जो रिकवरी दर को काफी बढ़ा सकते थे साथ ही अन्य शौकीन भी प्रदान करते थे यदि इन व्यंजनों की ऊंची कीमत न होती तो सामान्य विशेषज्ञ भी इन्हें खरीदने के लिए संघर्ष करते अथर्व के मोबाइल किले में प्रवेश करने के बाद वह जादूगर टीम को सीधे किले के लॉर्ड्स मेशन में ले गया अपने सामने एक हज़ार से अधिक उन्नत जादूगरों को देखते हुए अथर्व ने कहा कि लेकी जादू श्रृंखला अब पूरी तरह से चालू है मैं चाहता हूं कि आप इन जादुई सरणियों के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए तीन सौ की शिफ्ट में काम करें क्या आपका कोई प्रश्न है मोबाइल किला मुख्य रूप से जादुई क्रिस्टल से बना था और इसके अधिकांश संचालन मन पर निर्भर थे इसलिए इसे संचालित करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता थी इस छोटे मोबाइल किले को अपनी जादुई श्रृंखलाओं को पूरी तरह से चालू रखने के लिए तीन उन्नत जादूगरों की आवश्यकता थी इसके अलावा मोबाइल किले ने गिल्ड सिटीज़ की तुलना में बहुत अधिक जादुई क्रिस्टल का उपभोग किया इसके सामान्य ऑपरेशन मोड़ की लागत प्रतिदिन पचास हजार मैजिक क्रिस्टल है यदि किले की आक्रामक और रक्षात्मक जादुई श्रृंखलाएं भी सक्रिय की गईं, तो यह लागत बढ़ जाएगी यह सौभाग्य की बात थी कि अथर्व इस समय अविश्वसनीय रूप से धनवान था मोबाइल किले के निर्माण में उपयोग किए गए जादुई क्रिस्टल को काटने के बाद भी उसके पास अभी भी पांच दशमलव आठ मिलियन जादुई क्रिस्टल बचे थे अन्यथा भले ही उसने मोबाइल किले को पूरा कर लिया हो फिर भी वह इसे सक्रिय करने का साहस नहीं कर पाता आखिरकार जीरो विंग के पास अभी भी कई ऐसे क्षेत्र थे जिनके लिए उसे मैजिक क्रिस्टल्स की आवश्यकता थी इसे हम पर छोड़ दो गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लिंग हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन जादुई सरणी के साथ कुछ भी गलत न हो उन्नत जादूगरों ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया उनमें से कोई भी जादुई सरणी को बनाए रखने का मामूली काम सौंपे जाने से असंतुष्ट नहीं था ऐसा इसलिए था क्योंकि फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मेंशन में काम करने के लाभ व्यावहारिक रूप से नग्न आंखों से दिखाई देते थे हवेली के अंदर का मन बाहर के मन की तुलना में बहुत सघन था और मन की आत्मीयता में वृद्धि भी बहुत मजबूत थी यह स्थान न केवल एक उत्कृष्ट विश्राम क्षेत्र था बल्कि अपने जैसे जादूगरों के लिए एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण वातावरण भी था चाहकर भी उन्हें बाहरी दुनिया में ऐसा अद्भुत वातावरण नहीं मिल पाता इस बीच मोबाइल किले के प्रकट होने के आधे घंटे से भी कम समय के बाद इसके अस्तित्व की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कुछ ही समय में इसका समाचार क्विन टॉवर्स किंगडम के आधिकारिक मंचों पर दिखाई दिया स्काई किला गुप्त वाचा टॉवर के बगल में दिखाई देता है कुछ समय के लिए पूरे राज्य में खिलाड़ियों में हंगामा मच गया एक आकाशीय किला क्या चल रहा है यह एक झूठ है यह निश्चित रूप से झूठ है खेल के इस चरण में ऐसी चीज कैसे दिखाई दे सकती है इसकी तस्वीरें और वीडियो हैं मैंने सुना है कि किले का आंतरिक भाग प्रशिक्षण के लिए स्वर्ग है यह मैना आत्मीयता को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है जीरो विंग अब वास्तव में बढ़ रहा है जब ट्विन टावर्स किंगडम में पहली बार छोटे मोबाइल किले के बारे में खबर आई तो कई लोगों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया आखिरकार चाहे उन्होंने इसके बारे में कैसे भी सोचा हो वे यह नहीं देख पाए कि जीरो विंग इतने पौराणिक किले पर कब्जा कैसे कर सकता है हालांकि सूचना लीक फोटोग्राफिक और वीडियो साक्ष्य के साथ आई थी भले ही सभी ने रिपोर्ट पर विश्वास करने से इनकार कर दिया लेकिन वे इस तथ्य को नहीं बदल सके कि जीरो विंग के पास एक उड़ने वाला किला था लीक हुए वीडियो में सैकड़ों मीटर ऊंचा एक किला दिखाया गया है जो सभी प्रकार के जादुई रूमों से ढका हुआ है जो गुप्त वाचा टॉवर के ऊपर आकाश में मंडरा रहा है किले पर धुंध की हल्की परक छा अच्छा गई दूर से देखने पर यह स्वर्ग में पाया गया शहर जैसा लग रहा था किला कितना शानदार था इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता यह स्काई किला बहुत अच्छा लग रहा है वहां ऊपर से नज़ारा निश्चित रूप से अद्भुत होगा यह स्काई किला जनता के लिए कब खुला रहेगा मैंने सुना है कि जीरो विंग अपने सदस्यों और सहयोगियों के प्रवेश को सीमित कर रहा है मुझे संदेह है कि किसी और को किले का दौरा करने का मौका मिलेगा आखिरकार यह विशेष रूप से बड़ा नहीं है इसमें अधिकतम एक या दो मिलियन लोगों को रहना चाहिए इसके अलावा इसका उपयोग गुप्त वाचा टॉवर की घेराबंदी के लिए भी किया जा रहा है जीरो विंग अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को टावर के करीब नहीं जाने दे रहा है स्काई फोर्ट्रेस की तो बात ही छोड़ दें मैं जीरो विंग में शामिल हो रहा हूं मुझे जीरो विंग में शामिल होना चाहिए ट्विन टावर्स किंगडम के खिलाड़ियों दोनों स्वतंत्र और गिल्ड सदस्यों ने जब गुप्त वाचा टॉवर के ऊपर स्काई फोर्ट्रेस को देखा तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सके कई स्वतंत्र खिलाड़ियों ने तुरंत जीरो में शामिल होने के बारे में सोचा विंग स्काई स्प्रिंग सिटी में लड़ाई ने पहले ही साबित कर दिया था कि शहर और गुप्त वाचा टॉवर पर जीरो विंग अनडिंग सोल और क्रिमसन सम्राट का शासन अटल था जीरो विंग ने यह भी खुलासा किया कि इसमें पांच डेयर चार खिलाड़ी थे जो विभिन्न महाशक्तियों से कहीं आगे थे स्काई किले के शामिल होने से मूल रूप से गुप्त वाचा टॉवर पर जीरो विंग की पकड़ मजबूत हो गई अब जब अपने सदस्यों को एक उत्कृष्ट लेवलिंग स्पॉट प्रदान करने की बात आती है तो विभिन्न महाशक्तियों के लिए जीरो विंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना पूरी तरह से असंभव होगा कुछ समय के लिए गिल्ड सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए जीरो विंग के निवासों पर जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या आसमान छू गई जीरो विंग के भीतर भी माहौल गर्म था कई सदस्य इस बात का जश्न मना रहे थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे गिल्ड नहीं छोड़ दिया है इस बीच अड़े हृदय और भ्रामक शब्द कीयर तीन विशेषज्ञों के एक समूह के साथ गुप्त वाचा टॉवर के सामने पहुंचे जब उन्होंने मोबाइल किले को टॉवर के ऊपर तैरते हुए देखा तो किले के बारे में लंबे समय से जानने के बावजूद वे अभी भी चौंक गए आखिरकार मोबाइल किला बहुत जबरदस्त था टीयर तीन के खिलाड़ी शायद बताने में सक्षम न हो लेकिन टीयर चार के खिलाड़ियों के रूप में वे दोनों स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि दस शून्य 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 दस के दायरे में सभी मन किले पर एकत्रित हो गए थे यह मन की अकल्पनीय मात्रा थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोबाइल किला चलने फिरने में सक्षम था बस इसी बिंदु ने इसे अजय बना दिया आखिरकार यदि किले को एक निश्चित स्थान पर एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है तो इसे आसानी से कहीं और स्थानांतरित किया जा सकता है इस मोबाइल किले के साथ जीरो विंग वास्तव में भगवान के डोमेन के शिखर पर पहुंच गया है अनिल्डिंग हार्ट ने मोबाइल किले को देखते हुए ईर्ष्या से कहा वह दुख भरी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका जब उन्हें पहली बार जीरो विंग के अस्तित्व के बारे में पता चला तो जीरो विंग केवल एक छोटा गिर्ड था अब अड़िग आत्मा को भी इसकी ओर देखना होगा बेशक जीरो विंग की नींव अभी भी कमजोर थी हालांकि जब तक गुप्त वाचा टॉवर पर अपना कब्जा बनाए रख सकता है तब तक इसका उदय अपरिहार्य रहेगा अनिल्डिंग हार्ट के शब्दों के साथ सहमति में सिर हिलाते हुए पियूसरी वर्ड्स ने कहा हालांकि मुझे नहीं पता कि हम सीक्रेट वाचा टॉवर का सफलतापूर्वक बचाव कर सकते हैं या नहीं भले ही हम असफल हो जाएं, लेकिन यह जीरो विंग को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा इस मोबाइल किले के साथ जीरो विंग आसानी से लेवल एक मानचित्र में दुकान स्थापित कर सकता है उस समय इसके सदस्यों की लेवलिंग गति टावर में पीसने से किसी भी तरह से कमतर नहीं होगी वे पहले की तरह जल्दी से टियर तीन खिलाड़ी तैयार नहीं कर पाएंगे पहले जीरो विंग को एक क्रूर बांक के रूप में वर्णित किया जा सकता था हालांकि यह आमने सामने की लड़ाई में अविश्वसनीय रूप से मजबूत था फिर भी यह कई मजबूत विरोधियों के खिलाफ कमज़ोर था हालांकि मोबाइल किले को हासिल करने के बाद जीरो विंग एक ऐसा राक्षस बन गया था जिसे कोई भी महाशक्ति धमकी नहीं दे सकती थी यहां तक कि आर्थिक दमन भी अब इसके विरुद्ध प्रभावी नहीं रहेगा चलो जल्दी अंदर जाओ समय को देखते हुए अनिलिंग हार्ट ने कहा फॉक्स सेंट सेना को कुछ और घंटों में पहुंचना चाहिए मम्मा यदि हम टावर की रक्षा कर सकते हैं तो हमारे दो गिल्ड उन सुपर गिल्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं इल्यूसरी वर्ड्स ने अपने पीछे गुप्त वाचा टॉवर पर नजर डालते हुए कहा फिर वह अपने अधीनस्थों को मोबाइल किले में ले गई जबकि तीन गिल्ड के टीयर तीन विशेषज्ञ एक के बाद एक मोबाइल किले में प्रवेश कर रहे थे दूर की फॉक्स सेंट सेना लगातार गुप्त वाचा टॉवर की ओर अपना रास्ता बना रही थी अपने पूरे मार्च के दौरान सेना लगातार खिलाड़ियों और एनपीसी को निगलती रही जिससे उसकी संख्या बढ़ती गई लॉर्ड बीस्ट एम्परर क्या हमें मोबाइल फोर्ट्रेस जीरो विंग से कोई समस्या होगी लू जिंदलुओं ने बीस्ट सम्राट की ओर देखते हुए चिंतित होकर पूछा रिपोर्टों के अनुसार चालीस हजार से अधिक टियर तीन खिलाड़ी भी किले में एकत्र हुए हैं स्काई स्प्रिंग सिटी में लड़ाई ने स्टार्लिंग की युद्ध शक्ति को खत्म कर दिया था गिल्ड को इस नुकसान से उबरने में काफी समय लगेगा यदि वह इस बार गुप्त वाचा टॉवर को सुरक्षित करने में विफल रहा तो संभवतः उसे कुछ समय के लिए झूठ बोलना पड़ेगा स्टार्लिंग के गिल्ड लीडर के रूप में कोई उनकी जगह भी ले सकता है उसे उस बूढ़े मरे हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व की बहुत अच्छी समझ थी वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसे स्टारलिंग के गिल्ड लीडर के रूप में केवल इसलिए नहीं रहने देगा क्योंकि वह एक प्रमुख निगम का उत्तराधिकारी था आख़िरकार हंड्रेड घोस्ट्स के स्टारलिंग के साथ साझेदारी करने के इच्छुक होने का एकमात्र कारण वह बूढ़ा मरे हुए व्यक्ति ही थे इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था इस बीच एक किले की रक्षात्मक क्षमताएं गिल्ड सिटी की रक्षात्मक क्षमताओं से कहीं अधिक थीं जीरो विंग के मोबाइल किले को निश्चित रूप से टीयर चार मिथिक राक्षसों के हमलों से बचाव करने में कोई समस्या नहीं होगी आराम करना यह मोबाइल किला अन्य लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि यह आकाश में तैर रहा है लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि पौराणिक रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षस उड़ सकते हैं वे अब केवल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स की रक्षा करने की जरूरत है बीस्ट सम्राट ने लापरवाही से उत्तर दिया एक किला पौराणिक राक्षसों के हमलों को रोकने में सक्षम हो सकता है लेकिन ऐसा करने पर अभी भी बड़ी मात्रा में मैना की खपत होनी चाहिए आपको क्या लगता है कि एक किला एक हज़ार पौराणिक राक्षसों की बमबारी के सामने कितने समय तक टिक सकता है यदि उनके पास केवल कई दर्जन पौराणिक राक्षस होते तो वे वास्तव में एक किले के सामने असहाय होते आखिरकार पौराणिक राक्षसों के हमले किले की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला की रक्षात्मक सीमा से अधिक नहीं हो सकते हालांकि एक हज़ार पौराणिक राक्षस एक अलग कहानी होगी प्रत्येक पौराणिक राक्षस का हमला रक्षात्मक जादू सरणी के मन के केवल एक छोटे से हिस्से को खत्म कर सकता है लेकिन जब एक हजार से गुना किया जाता है तो मुख्य शहर की रक्षात्मक जादू सरणी भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी हाँ आप ठीक कह रहे हैं संभवतः है एक हजार पौराणिक राक्षसों के विरुद्ध कौन जा सकता है लू जिंदलुओं ने अपना आत्मविश्वास तब वापस पा लिया जब उसने मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षसों को नीचे जमीन पर मार्च करते हुए देखा एक किला अद्भुत हो सकता है लेकिन संख्या में ताकत भी थी इतना कहने के बाद लू झिंगलुओं ने पास में उड़ रहे विशाल सांप को देखा उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी भूतों का प्राचीन राक्षसी सर्प एक असाधारण अस्तित्व था फ्लाइंग माउंट न केवल टेयर चार मिथिक मानक पर था बल्कि यह एक पौराणिक फ्लाइंग माउंट भी था जो प्राचीन काल के दौरान आकाश के शासकों में से एक था अफवाहों के अनुसार प्राचीन राक्षसी सर्प की रक्तरेखा की ताकत ड्रेगन की प्रतिद्वंद्वी के करीब थी हवाई युद्ध में यह जिस युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था वह उड़ने वाले जहाज़ से भी अधिक थी इसलिए जरूरी नहीं कि उनका पक्ष हवाई युद्ध में जीरो विन के मोबाइल किले से हार जाएं समय तेजी से बीत गया अगले छह घंटे की यात्रा के बाद लू झिंदलो और बीस्ट सम्राट ने दूर क्षितिज पर एक विशाल तैरता हुआ किला देखा तो वह मोबाइल किला है जब बीस्ट सम्राट की नजर पहली बार मोबाइल किले पर पड़ी तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ हालांकि बाद में उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई फ्लेम मैं मानता हूं कि आप वास्तव में सक्षम हैं हालांकि मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हारे इस किले को नष्ट कर दूं तो क्या तुम पागल हो जाओगे इतना कहने के बाद बीस्ट एम्परर ने हाथ से इशारा किया जवाब में उनकी सेना के एक हजार मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सबोटर्स एक आसमान में उड़ गए और सीधे मोबाइल किले की ओर उड़ गए हवा में उनकी गति फ्लाइंग माउंट से थोड़ी ही कम थी और उन्होंने जीरो विंग के पक्ष को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया एक हजार नकली सेंट सबोटर्स अपने दस मीटर लंबे शरीर के साथ आकाश में उड़ गए मोबाइल किले के परिप्रेक्ष्य से वे उसकी ओर बहते हुए एक काले बादल की तरह लग रहे थे इसके अलावा एक लाख से अधिक नकली संत राक्षसों ने जमीन पर किले की ओर मार्च किया इन राक्षसों द्वारा उठाए गए हर कदम से जमीन हिल गई इस शानदार दृश्य ने मोबाइल किले की सुरक्षा में खड़े खिलाड़ियों को स्तब्ध कर दिया आखिरकार ऐसा लगता है कि हम इस जानवर सम्राट को कम नहीं आंक सकते केवल दुष्ट भगवान की कठपुतली होने के बावजूद वह वास्तव में इतने सारे पौराणिक राक्षसों को संगठित करने में सक्षम है इसके साथ भले ही हम कोई कदम नहीं उठाते हैं जीरो विन शायद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा प्राचीन राक्षसी सर्प के ऊपर एक पांच मीटर लंबे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा हंसते हुए उन्होंने आगे कहा अब हमें जीरो विन को सबक सिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा हालांकि यह स्वर्ण बख्तरबंद विशालकाय केवल सामान्य रूप से बोलता था उसकी गहरी आवाज़ ने आसपास के स्थान को कंपा दिया अगर अथर्व यहां होता तो इस सुनहरे कवचधारी दानव को देखकर निश्चित रूप से चौंक जाता यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति न केवल एक प्रामाणिक विशालकाय व्यक्ति था बल्कि लेवल एक सौ तैंतीस टियर चार निडर भी था उसके द्वारा प्रकट की गई आभा से आसपास का स्थान पहले से ही भारी हो गया था यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो इससे हम अपनी ताकत को उजागर करने से बच सकते हैं और ब्लैक नाइट लीजन के खर्च को कम कर सकते हैं विडशैडो ने अपने ऊपर और नीचे फॉक्स सेंट राक्षसों को देखते हुए कहा यह मत भूलो कि इस बार हमारा लक्ष्य उस निकम्मे लड़के को स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल से छुड़ाना है जीरो विंग से निपटना कौन है मुझे लगता है आप सही हैं आशा करते हैं कि स्काई स्प्रिंग सिटी के मजिस्ट्रेट मुझे अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा फैलाने की अनुमति दे सकते हैं स्वर्ण स्वर्णबख्तरबंद विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा जब विंडशैडो और स्वर्ण स्वर्णबख्तरबंद विशालकार बातचीत कर रहे थे जेड लीफ जो एक तरफ बैठी थी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की उसका चेहरा शर्म से भर गया अवेकेंड एबिस की रक्षा करना और उसे बचाना उसका काम होना चाहिए था फिर भी उसे मदद के लिए हंड्रेड घोस्ट के मुख्य बल के वाइस कमांडर एल्डर विंडशैडो और लॉन्ग डे की ओर रुख करना पड़ा यह उसकी ओर से कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही थी जब वह गिल्ड के मुख्यालय में लौटे तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाएगा आखिरकार अवेकेंड एबिस न केवल हंड्रेड घोस्ट्स की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था बल्कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि एल्डर विडशैडो भी उसे ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था मोबाइल किले के अंदर अड़िग दिल और भ्रामक शब्दों ने फॉक्स से राक्षसों की भारी सेना को देखा और सदमे में हाफने से खुद को नहीं रोक सके हालांकि वे बहुत पहले से जानते थे कि उनके दुश्मन में 10 लाख से अधिक नकली संत राक्षस और एक हजार नकली संत तोड़फोड़ करने वाले शामिल थे फिर भी इस भयानक दृश्य ने उन्हें डरा दिया जमीन पर मौजूद फॉक्स सेंट सेना के अलावा हवा में केवल एक हजार फॉक्स सेंट सबोटर्स ने पहले से ही एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था पौराणिक राक्षसों की इतनी बड़ी ताकत एनपीसी शहरों की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को भी आसानी से तोड़ सकती है आमतौर पर किलों में शहरों की तुलना में काफी मजबूत रक्षात्मक जादुई सरणियां होती हैं हालांकि मोबाइल किला स्थिर किले से अलग था आवाजाही की सुविधा हासिल करने के लिए मोबाइल किले ने अपनी रक्षात्मक क्षमताओं के एक हिस्से का त्याग कर दिया इसलिए जबकि मोबाइल किला अभी भी इन नकली सेंट सबोटर्स के हमलों को रोकने में सक्षम था यह अज्ञात था कि वह ऐसा कब तक जारी रख सकता है एक बार जब रक्षात्मक बाधा टूट गई तो ये फॉक्स सेंट सपोर्टर्स किले के अंदर खिलाड़ियों को मार डालेंगे यहां तक कि उनके जैसे टियर चार खिलाड़ी भी इन राक्षसों को नहीं रोक पाएंगे आखिरकार संख्या में अंतर बहुत बड़ा था सब लोग तैयार हो जाओ एक बार जब ये नकली संत राक्षस सीमा के भीतर प्रवेश कर जाएं तो अपने पास मौजूद हर चीज से हमला करें अड़े हृदय चिल्लाया याद करना कुछ भी मत रोको आपके पास जो कुछ भी है उससे लड़े जितनी जल्दी हो सके इन पौराणिक राक्षसों को हटाने से ही हमारी जीत की अधिक संभावना होगी जी श्रीमान जब किले की दीवारों के ऊपर तैनात खिलाड़ियों ने फॉक्स सेंट सबोटर्स को आते देखा तो वे घबराहट से घूंट पीने से खुद को नहीं रोक सके आगामी लड़ाई का नतीजा इस बात से तय होगा कि किले की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को नष्ट करने से पहले वे इन फॉक्स सेंट सबोटर्स को खत्म करने में कामयाब रहे या नहीं यह रक्षात्मक बाधा की अवधि के विरुद्ध एक दौड़ होगी इस बीच किले के लॉर्ड्स मेशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर जो किले का सबसे ऊंचा स्थान भी था गिल्ड लीडर वे यहां हैं फायर डांस ने बताया जब फॉक्स सेंट सबोटर्स किले से एक हज़ार गज से भी कम दूरी पर थे तो उसने घबराकर पूछा क्या हमें अब हमला करना शुरू कर देना चाहिए नहीं उन्हें करीब आने दो अथर्व ने सिर हिलाते हुए कहा मोबाइल किले में छब्बीस बड़ी जादुई एल्वेन तोपे और आठ जादुई चार्जिंग टावर थे इसकी कुल मारक क्षमता गिल्ड सिटीज से कई गुना अधिक थी हालांकि इस भयावह गोलाबारी की कीमत भी उतनी ही भयावह थी लार्ज मैजिक एल्वेन कैनन्स द्वारा दागे गए प्रत्येक शॉट की कीमत 6000 मैजिक क्रिस्टल्स थी और उनके पास एक मिनट का कूलडाउन था जहां तक मैजिक चार्जिंग टावर्स की बात है उन्हें हर बार फायर करने के लिए बीस हज़ार मैजिक क्रिस्टल की लागत आती थी और तीन मिनट का कूलडाउन होता था हालांकि अथर्व के पास पांच मिलियन से अधिक जादुई क्रिस्टल थे फिर भी वह इन हथियारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता था इसलिए उन्हें हर शॉट का अधिकतम लाभ उठाना था इस बीच मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सपोर्टर्स के लिए एक हज़ार गज की दूरी व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं थी केवल तीन सेकंड बाद वे मोबाइल किले की रक्षात्मक बाधा के सामने प्रकट हुए इसके तुरंत बाद सभी एक हज़ार नकली सेंट सबोटर्स ने अपने पास मौजूद विभिन्न हथियार उठाए और रक्षात्मक बाधा पर क्रूर हमलों की बौछार शुरू कर दी अगले ही पल मोबाइल किले के बाहर से गगनभेदी आवाज़ें आईं किले की रक्षात्मक बाधा के आसपास कई स्थानिक आंसू भी दिखाई दिए बैरियर स्वयं हिंसक रूप से कांपने लगा और यहां तक कि किले के अंदर के खिलाड़ी भी हमलों की ताक़त को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे मोबाइल किले के बाहर गड़गड़ाहट का हमला दस हज़ार गज़ से भी अधिक दूर से भी सुना जा सकता था क्या शक्तिशाली हमले हैं यदि यह गिल्ड सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला होती तो संभवतः हमलों की पहली लहर में यह ढह जाती लॉन्ग दे ने आश्चर्य से कहा एक हजार पौराणिक राक्षसों के एक साथ किए गए हमले पूरी तरह से पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाले थे यहां तक कि टेयर पांच बड़े पैमाने पर विनाश मंत्र भी इस बैराज की तुलना में फीका होगा जेड लीफ ने भी सहमति में सिर हिलाया यहां तक कि एक एनपीसी मैन सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को भी इस संयुक्त हमले से पहले जबरदस्त नुकसान होगा एक मामूली मोबाइल किले की तो बात ही छोड़ दें हालांकि जब हमले खत्म हुए तो हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्य और मोबाइल किले की दीवारों के ऊपर खड़े खिलाड़ी सभी स्तब्ध रह गए यह ठीक है इस समय न केवल रक्षात्मक बाधा पर कोई दरार नहीं थी बल्कि बाधा से जादुई शक्ति का दोलन भी भयावह रूप से सुचारू और स्थिर रहा यह स्पष्ट था कि फॉक्स सेंट सबोटर्स के हमले बैरियर की रक्षात्मक सीमा तक पहुंचने में विफल रहे इस बीच फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मिशन में फायर डांस ने सदमे में आंख मूंद ली क्या यह अवरोध कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है उसे अभी रक्षात्मक बाधा के ऊर्जा स्तर का स्पष्ट दृष्टिकोण था एक परसेंट की तो बात ही छोड़िए फॉक्स सेंट सबोटर्स के हमलों की पहली लहर के बाद बैरियर ने अपने मन भंडार का बमुश्किल शून्य दशमलव शून्य एक परसेंट खोया प्रति सेकंड शून्य दशमलव शून्य एक परसेंट की कमी दर को देखते हुए फॉक्स सेंट सबोटर्स को बाधा को तोड़ने में एक सौ छियासठ मिनट लगेंगे हालांकि बैरियर के मैना भंडार को तीस मिनट के अंतराल पर फिर से भरा जा सकता है प्रत्येक बहाली में एक लाख मैजिक क्रिस्टल की लागत आती है दूसरे शब्दों में जब तक उनके पास पर्याप्त जादुई क्रिस्टल हैं उनके सामने मौजूद एक हज़ार पौराणिक राक्षस मोबाइल किले की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को नष्ट नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए बुरा नहीं है अथर्व ने शांति से कहा हालांकि अंदर ही अंदर वह भी इस परिणाम से आश्चर्यचकित था उसने कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल किले की रक्षात्मक क्षमताएं इतनी अद्भुत थीं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अपने पिछले जीवन में जो मोबाइल किले देखे थे वे वेटियर पांच खिलाड़ियों के हमलों को भी रोकने में सक्षम थे अगले ही पल अथर्व ने फायर डांस की ओर रुख किया और कहा नीचे वाले लोगों को मैजिक एल्वेन तोपों की शक्ति का परीक्षण शुरू करने के लिए कहें अथर्व के आदेश पर फायर डांस ने 26 लार्ज मैजिक एल्वेन तोपों में तैनात खिलाड़ियों को सूचित किया जवाब में मोबाइल किले की सभी छब्बीस तोपों ने अपने आसपास से मैना को इकट्ठा करना और संघनित करना शुरू कर दिया मूल रूप से धुंध जैसा मन रविभूत हो गया संघनित तरल मन फिर तोपों में प्रवाहित हुआ कुछ ही क्षण बाद इन तोपों के मुखों के सामने एक लाल रंग की तीन गुना जादुई सरणी प्रकट हुई इन जादुई सरणी में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि वह आसपास के स्थान को विकृत कर रही थी अगले ही पल फॉक्स सेंट सबोटर्स ने अपना तीसरा बैराज पूरा करने के बाद छब्बीस लाल किरणें अचानक धुंधले आकाश में फेंक दीं फिर प्रकाश की ये किरणें हवा में फूट गईं और असंख्य छोटी किरणें पौराणिक राक्षसों पर बरसने लगीं हालांकि फॉक्स सेंट सबोटर्स ने हमले पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की थी फिर भी उनमें कुछ भीड़ थी इसलिए उनमें से अधिकांश अभी भी गहरे लाल रंग की बारिश की चपेट में आ गए जब लाल रंग की बारिश खत्म हुई तो हर किसी की नज़रों में जो चीज़ घुसी वह फॉक्स सेंट सबोटर्स के क्षतविक्षत शरीर थे लाल बारिश के नीचे फंसने वाले प्रत्येक पौराणिक राक्षस के शरीर पर जले हुए निशान थे जिनमें से कुछ में आग भी लगी हुई थी इस बीच हमला किए गए फॉक्स सेंट सबोटर्स की सात दशमलव तीन बिलियन एचपी पांच दशमलव पांच बिलियन से कम हो गई कुछ के पास तो केवल चार बिलियन एचपी ही बची थी क्या वे तोपे कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं हैं पड़े हृदय जो दीवार से युद्ध की कमान संभाल रहा था घटनाओं के इस अचानक मोड़ पर आश्चर्यचकित था आमतौर पर पौराणिक राक्षसों को मारना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी फिर भी बड़े एल्वेन मैजिक तोपों ने प्रति हमले दो मिलियन से अधिक की क्षति पहुंचाई इसके अलावा उनका एओ कम से कम 800 यार्ड के दायरे को कवर करता था यदि फॉक्स सेंट सपोर्टर्स ने खुद को एक साथ अधिक निकटता से तैनात किया होता तो 26 तोपों में से सिर्फ एक बॉली इन पौराणिक राक्षसों की एचपी को एक महत्वपूर्ण स्तर तक कम करने के लिए पर्याप्त हो सकती थी और दो बॉली उन्हें अस्तित्व से मिटाने के लिए पर्याप्त होती इस समय मोबाइल किले के, के अंदर के खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़िए यहां तक कि लू झिंगलुओं और बीस्ट एम्परर भी सदमे में थे यह कैसे संभव है एक किले में इतनी मजबूत आक्रामक क्षमताएं कैसे हो सकती हैं लू जिंगलुओं को तब अपना दिमाग ठंडा हो गया जब उन्होंने देखा कि फॉक्स सेंट सबोटर्स ने सिर्फ एक वॉली से अपने एचपी का एक चौथाई हिस्सा खो दिया था उसने पहले भी किले देखे थे उसने पहले भी किलों को राक्षसी ज्वार से जूझते देखा था उसने जो देखा था उसके अनुसार किलों में वास्तव में अविश्वसनीय आक्रामक क्षमताएं थीं यहां तक कि एक लाख राक्षसों और एक दर्जन से अधिक पौराणिक राक्षसों की सेना का सामना करते हुए एक किला आसानी से एक घंटे के भीतर विजयी हो सकता है हालांकि उसके सामने इस मोबाइल किले का क्या हाल था मोबाइल किले की तोपों ने वास्तव में केवल एक वॉली के साथ फॉक्स सेंट सबोटर्स के एचपी का एक चौथाई हिस्सा काट लिया था दूसरे शब्दों में अधिकांश तोड़फोड़ करने वालों को नष्ट करने के लिए सिर्फ चार तोपें पर्याप्त होंगी इस वक्त हंड्रेड घोष्ट के सदस्य भी जो दूर से यह मज़ा देख रहे थे इस नतीजे से हैरान रह गए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल किले में इतनी जबरदस्त आक्रामक क्षमताएं होंगी हालांकि उनके पास इन बड़े जादुई एल्वेन तोपों के हमलों से बचने के साधन थे लेकिन केवल एक गलती का मतलब उनके लिए परलोक की एक स्पष्ट यात्रा होगी केवल प्राचीन राक्षसी सर्प ही संभवतः तोपों का प्रहार सहन कर सकता था युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोगों में से केवल अथर्व को यह परिणाम आश्चर्यजनक नहीं लगा आखिरकार मोबाइल किला एक ऐसा गढ़ था जो टियर पांच अस्तित्व का विरोध करने में सक्षम था यदि इसमें टियर चार राक्षसों के समूह के खिलाफ जाने की क्षमता भी नहीं थी तो यह टीयर पांच राक्षसों के खिलाफ कैसे जा सकता था हालांकि इस बॉली के बाद भी अथर्व का दिल दुखता रहा आखिरकार चलाई गई छब्बीस गोलियों की कुल लागत एक लाख छप्पन हजार जादुई क्रिस्टल थी सिक्कों में परिवर्तित किया गया तो वह बासठ सो सोना था जब अथर्व व्यथित महसूस कर रहा था बीस्ट सम्राट ने जल्दबाजी में फॉक्स सेंट सबोटर्स को एक आदेश दिया फैल जाओ और सभी दिशाओं से हमला करो मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वे उन तोपों को बिना किसी सीमा के दाग सकते हैं गॉड्स डोमेन में किसी भी रणनीतिक हथियार के इस्तेमाल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी बड़े जादुई एल्वेन तोपों के प्रभाव को देखते हुए उन्हें संदेह था कि जीरो विंग उन चीजों को हमेशा के लिए फायर करना जारी रख सकता है बीस्ट सम्राट के आदेश के बाद फॉक्स सेंट सपोर्टर्स तुरंत मोबाइल किले के, के चारों ओर तितर बितर हो गए अब प्रत्येक तोप की आग अधिक से अधिक एक साथ कई दर्जन तोड़फोड़ करने वालों पर हमला करेगी इस परिदृश्य में सभी एक हजार तोड़फोड़ करने वालों को नष्ट करने के लिए तोपों से कई सौ गोले दागने पड़ेंगे इस स्थिति को देखने के बावजूद भी अथर्व विचलित नहीं हुआ मैजिक चार्जिंग टावर्स भी शुरू करें जी श्रीमान अथर्व का आदेश सुनकर फायर डांस थोड़ा उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका यदि लार्ज मैजिक एल्बेन तोप का हमला एक आत्मघाती हमला था तो मैजिक चार्जिंग टावर का हमला एक कालीन बम्बारी था इसके अलावा इसकी शक्ति टेयर पांच की सीमा तक पहुंच गई तुरंत मोबाइल किले में बिखरे हुए आठ जादुई चार्जिंग टावरों ने मैना को जमा करना शुरू कर दिया जो आठ छोटे सूर्यों में बदल गया जिसने पूरे किले को उज्जवल रूप से रोशन कर दिया इससे पहले कि फॉक्स सेंट सबोटर्स इस विकास पर प्रतिक्रिया कर सकें आठ लघु सूर्य आकाश में उड़ गए और आठ तीन गुना जादू सरणी में बदल गए प्रत्येक दो शून्य 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 यार्ड त्रिजा को कवर करता था ये विशाल जादुई श्रृंखलाएं न केवल मोबाइल किले की संपूर्णता में फैली हुई थीं, बल्कि किले के दो शून्य 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 गज के दायरे में मौजूद हर चीज पर भी फैली हुई थी क्या क्या उनका दिमाग खराब हो गया है जब लू जिंदलो ने आकाश में आठ विशाल जादुई श्रृंखलाएं देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि ये जादुई व्यू कितने शक्तिशाली थे इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने दस शून्य 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 गज के दायरे में सभी मन को खींच लिया था वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि वे कितने शक्तिशाली थे हालांकि इन जादुई सरणियों में केवल फॉक्स सेंट सबोटर्स शामिल नहीं थे यहां तक कि मोबाइल किला भी जादुई सरणियों के एओई के भीतर स्थित है इन जादुई सरणियों को तैनात करके जीरो विंग मूल रूप से कह रहा था कि उसका इरादा तोड़फोड़ करने वालों के साथ मरने का था दौड़ना तुम सब भाग जाओ आठ जादुई व्यूहों को देखकर घबराए बीस्ट सम्राट ने फॉक्स सेंट सेना को पीछे हटने का आदेश दिया क्योंकि मैजिक एरे के एओई में केवल फॉक्स सेंट सपोर्टर्स ही नहीं पकड़े गए थे जादुई सरणियों ने जमीन पर मौजूद फॉक्स सेंट सेना के एक तिहाई हिस्से को भी कवर कर लिया कुछ समय के लिए हवा में फॉक्स सेंट सबोटर्स और जमीन पर फॉक्स सेंट राक्षसों को चारों ओर घूमते और भागते देखा जा सकता था हालांकि आकाश में आठ जादुई सारणियां बहुत विशाल थीं इससे पहले कि कोई फॉक्स सेंट सबोटर्स मोबाइल किले से एक हजार गज से अधिक दूर उड़ सके आठ जादुई सरणियों से एक सफेद रोशनी उतरी अगले ही पल मोबाइल किले के दो हजार गज के दायरे में सब कुछ सफेद दुनिया में बदल गया इस सफेद दुनिया की उपस्थिति ने पूरे युद्ध के मैदान में सन्नाटा ला दिया इस बीच प्रकाश का यह सफेद स्तंभ हजारों गज दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था वहां क्या हो रहा है वह स्थान वही होना चाहिए जहां गुप्त वाचा टॉवर है हम इसे स्काई स्प्रिंग सिटी से पूरे रास्ते देख सकते हैं उस किरण का कवरेज कितना बड़ा है स्काई स्प्रिंग सिटी के अधिकांश खिलाड़ी गुप्त अनुबंध टॉवर पर होने वाली लड़ाई से अनभिज्ञ थे इसलिए जब उन्होंने दूरी पर अचानक प्रकाश का एक सफेद स्तंभ देखा तो वे उत्सुकता बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके जहां तक खिलाड़ी बलों की बात है जिन्हें युद्ध के बारे में पता था अपनी अपर्याप्त ताकत के कारण वे केवल सुरक्षित दूरी से ही देख सकते थे कुछ ही समय बाद प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे खत्म हो गया जमीन पर फॉक्स सेंट सेना भी गायब हो गई थी और उनकी जगह कई दर्जन मीटर गहरे गड्ढे थे जहां तक हवा में मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सबोटर्स का सवाल है वे इस समय एक के बाद एक जमीन पर गिर गए हालांकि ये तोड़फोड़ करने वाले अभी भी जीवित थे उनमें से हर कोई बुरी तरह से घायल अवस्था में था और उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति उनके पास पहले की तुलना में कहीं भी नहीं थी एक हजार पौराणिक नकली संत राक्षसों को इसी तरह अंजाम दिया गया जब अनैलडिंग हार्ट और मोबाइल किले की, की दीवारों पर खड़े अन्य लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए फॉक्स सेंट सबोटर्स को देखा और देखा कि इन पौराणिक राक्षसों के पास उनके एचपी के एक तिहाई से भी कम शेष थे तो वे सदमे में आने से खुद को नहीं रोक सके उन सभी को एक कड़वी लड़ाई की आशंका थी उन्होंने खुद को दिन रात लड़ने और असंख्य हताहतों को झेलने के लिए भी तैयार कर लिया था आखिरकार फॉक्स सेंट राक्षसों के पास औसत से ऊपर युद्धस्तर और चालाक दिमाग थे जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी युद्ध तकनीकों को सीखने और उनमें सुधार करने की उनकी क्षमता ने उन्हें लड़ने के लिए और अधिक कठिन बना दिया इसके अलावा उनके उच्च एचपी का मतलब था कि ये फॉक्स सेंट राक्षस लंबे समय तक युद्ध में रह सकते थे हालांकि केवल दो राउंड के हमलों के साथ मोबाइल किले ने एक हजार मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सपोर्टर्स को भारी रूप से घायल कर दिया था और कई लाख निचले रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षसों को मार डाला था ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा नरसंहार था कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शुरू से ही विभिन्न महाशक्तियों पर कभी ध्यान नहीं दिया इस मोबाइल किले के साथ पांच महान सुपर गेट भी वर्तमान जीरो विन के सामने असहाय होंगे जब उसने किले के नीचे मृत्यु की भूमि को देखा तो अड़िग हृदय फूट फूट कर मुस्कुराया चाहे वह स्टारलिंक हो या हंड्रेड घोस्ट मोबाइल इस बीच फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मिशन के ऊपर अथर्व का दिल एक बार फिर दर्द से भर गया सभी आठ मैजिक चार्जिंग टावरों को सक्रिय करने में उन्हें एक लाख साठ हजार मैजिक क्रिस्टल की कीमत चुकानी पड़ी खेल के इस चरण में प्रथम श्रेणी के गिर्ड के पास भी अपने भंडार में अधिकतम चार लाख जादुई क्रिस्टल होंगे उसने केवल एक ही दौर के हमलों में प्रथम श्रेणी के गिर्ड के मैजिक क्रिस्टल भंडार का लगभग आधा हिस्सा जला दिया था दूसरी ओर मोबाइल किले के, के बाहर हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्य लू और बीस्ट एम्परर सभी मैजिक चार्जिंग टावर्स के हमलों को देखकर काफी देर तक चुप रहे इस परिणाम से बीस्ट सम्राट विशेष रूप से स्तब्ध था मूल रूप से उसने सोचा था कि 10 लाख नकली संत राक्षसों की अपनी सेना के साथ वह पूरे ट्विन टावर्स साम्राज्य को रौंद सकता है कि राज्य की एनपीसी सेना में से कोई भी उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा फिर भी अब जहां तक हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्यों का सवाल है उन्हें भी इस परिणाम से दबाव महसूस हुआ आखिरकार मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सपोर्टर्स केवल अपने उच्च एचपी के कारण मोबाइल किले के, के हमलों से बच गए थे यदि उनके जैसे खिलाड़ियों को इनमें से किसी एक हमले का शिकार होना पड़ा तो वे बिना किसी सवाल के मर जाएंगे इस समय जेड लीफ ने विंडशैडो की ओर रुख किया और कहा एल्डर विंडशैडो यह मोबाइल किला बहुत शक्तिशाली है यदि हम आंख मूंद कर आक्रमण करते हैं मुझे डर है कि हमारी संभावनाएं कम हैं हवाई युद्ध में प्राचीन राक्षसी सर्प वास्तव में शक्तिशाली था यह एक साथ मुट्ठी भर नकली सेंट सपोर्टर्स के खिलाफ भी जा सकता है और फिर भी बढ़त बनाए रख सकता है हालांकि भले ही प्राचीन राक्षसी सर्क मोबाइल किले के, के स्वर्ग विरोधी प्रहार से बच सके लेकिन वे फ्लाइंग माउंट के यात्री निश्चित रूप से राख में तब्दील हो जाएंगे उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है परस्पर विनाशकारी प्रहार के बावजूद मोबाइल किले की रक्षात्मक बाधा बरकरार रही ऐसी स्थिति होने पर यहां तक कि प्राचीन राक्षसी सर्क का सबसे मजबूत झटका भी बाधा के कुछ ऊर्जा भंडार को समाप्त कर देगा कुछ देर तक झिझकने के बाद विंडशैडो ने घोषणा की हम पीछे हट रहे हैं प्राचीन राक्षसी सर्प एक स्तरीय चार पौराणिक उड़ने वाला पर्वत था इसका सबसे जोरदार झटका टीयर पांच की दहलीज को छू गया एक ऐसा हमला जिसे एडवांस्ड गेट सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला भी झेल नहीं सकी मूल रूप से विंडशैडो का मानना था कि हालांकि मोबाइल किले की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला मजबूत हो सकती है लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर इसे नष्ट करना प्राचीन राक्षसी सर्प के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हालांकि बाधा को नष्ट करना तो दूर शुद्ध करने वाली रोशनी से बचे रहना भी एक समस्या होगी चूंकि यह स्पष्ट था कि वे मोबाइल किले के, के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास यहां रहने का कोई कारण नहीं था इस समय विंडशेडो ऐसे विचारों वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे बीस्ट सम्राट ने इसी तरह अपनी फॉक्स सेंट सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया पीछे हटने का आदेश देने के बाद बीस्ट सम्राट ने लू झिंगलुओं की ओर देखा और कहा चलो चलते हैं अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं है अब मोबाइल किले से टकराने की कोशिश करना केवल आत्मघाती था उनका एकमात्र विकल्प पीछे हटना और किले से निपटने के लिए अन्य विकल्पों का पता लगाना था गुप्त वाचा टावर की सुरक्षा करना भी अब संभव नहीं था जब तक मोबाइल किला टावर के आसपास रहा वे टावर के बारे में कुछ नहीं कर सके लॉर्ड बीस्ट सम्राट क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं है मैंने तुम पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है लू जिंदलुओं ने पागल आंखों से बीस्ट सम्राट की ओर देखते हुए कहा स्काई स्प्रिंग सिटी में लड़ाई से स्टारलिंग को भारी झटका लगा था यदि वह गुप्त वाचा टॉवर को भी सुरक्षित करने में विफल रहा तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा जिंगलो आप स्टारलिंक पर वापस लौटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन स्टारलाइन कॉर्पोरेशन की वित्तीय ताकत के साथ आप अभी भी मेरा अनुसरण कर सकते हैं बीस्ट एम्परर ने सांत्वना दी आपने स्वयं देखा है कि फॉक्स सेंट सेना कितनी तेजी से फैल रही है यह अब और मजबूत होगा यहां तक कि उस पुराने मरे हुए समर्थन से भी आप भविष्य में फॉक्स सेंट सेना के खिलाफ नहीं जा पाएंगे जहां तक जीरो विंग की बात है मैं गॉड्स डोमेन से इसका अस्तित्व मिटा दूंगा जब बीस्ट सम्राट ने जीरो विंग नाम का उल्लेख किया तो उसकी आवाज़ ठंडी हो गई यदि जीरो विंग के हस्तक्षेप के लिए नहीं तो उसकी सेना ने बहुत पहले ही स्टार मून किंगडम और ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को रौंद दिया होता उसे अपनी मदद के लिए धूत अवसरवादियों से भरे संगठन सेंट्स हैंड का निर्माण करने का सहारा नहीं लेना पड़ता जहां तक इस बार उन्हें हुए नुकसान का सवाल है तो उन्होंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया आखिरकार उनके वर्तमान स्वरूप के लिए मिथिक रैंक से नीचे के फॉक्स सेंट राक्षसों का उत्पादन करना अविश्वसनीय रूप से आसान था जहां तक पौराणिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सपोर्टर्स का सवाल है जबकि वे अभी गंभीर रूप से कमज़ोर हो गए थे अगर वे भागने पर ध्यान केंद्रित करते तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था जीरो विंग उनमें से केवल कुछ को ही मार पाएगा इसके अलावा आज की घटना के बाद उन्हें अंतः जीरो विंग के आत्मविश्वास का कारण समझ में आया अब उसे बस इंतज़ार करना था वह तब तक इंतजार करेगा जब तक वह टीयर पांच फॉक्स सेंट राक्षस का उत्पादन नहीं कर लेता जब तक एक टीयर पांच फॉक्स सेंट राक्षस प्रकट होता है जीरो विंग के मोबाइल किले की तो बात ही छोड़ दें यहां तक कि गॉड्स डोमेन के विभिन्न राज्य और साम्राज्य भी अब उसके लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे हालांकि टियर पांच फॉक्स सेंट मॉन्स्टर का निर्माण करना कोई आसान काम न जिंगलुओं इन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए एकदम सही नकद गाय थे बीस्ट एम्परर के शब्दों को सुनने के बाद लू लूझिंगलो केवल निराशा में सिर हिला सका और बीस्ट एम्परर के साथ अपना हाथ मिला लिया आज से वह गॉड्स डोमेन के खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा होगा और बीस्ट एम्परर से आवश्यक ऊपरी क्षेत्र के संसाधनों को हासिल करेगा लू झिंग्लो के लिए भी यही एकमात्र विकल्प था अन्यथा स्टार्लिंग के गेड लीडर के पद की तो बात ही छोड़िए उन्हें स्टारलाइन कॉरपोरेशन के उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है आखिरकार निगम में अभी भी कई आरक्षित उत्तराधिकारी उनकी जगह लेने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दूर स्थित डार्क फायर क्रो और प्राचीन राक्षसी सर्क को मुड़ते और जाते हुए देखकर फायर डांस मुस्कुराया और कहा ग्रिड लीडर ऐसा लगता है कि वे पीछे हटने की योजना बना रहे हैं उन्हें अपने दुश्मन के पीछे हटने का निर्णय उचित लगा आखिरकार उस विनाशकारी आघात को देखने के बाद कोई भी लड़ने की इच्छा खो देगा दुर्भाग्य से वे फॉक्स सेंट सेना को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं पहुंचा सके हालांकि मोबाइल किले के पास अविश्वसनीय आक्रामक क्षमताएं थीं लेकिन उसके पास अपने विरोधियों को रोकने का कोई साधन नहीं था फॉक्स सेंट राक्षसों का पीछा करने के लिए किले की सुरक्षा छोड़ना भी मूर्खता होगी लू जिंदलों और अन्य लोगों को संभवतः यही देखने की सबसे अधिक आशा थी छुट्टी चूंकि वे पहले से ही यहां हैं तो उन्हें जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब अथर्व ने बीस एम्परर और हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्यों की पीछे हट्टी आकृतियां देखीं तो मुस्कुराया इसके बाद उन्होंने तीन हज़ार मन पत्थरों को बाहर निकाला जिन्हें उन्होंने पहले से संश्लेषित किया था और उन्हें बिना सील किए विश्व दर्पण के मूल में इंजेक्ट कर दिया ऊर्जा की एक अदृश्य लहर तुरंत मोबाइल किले से आसपास के वातावरण में तेजी से फैल गई एक क्षण बाद गुप्त वाचा टॉवर के मानचित्र के किनारों के चारों ओर धुंध की एक घनी परत बन गई यदि कोई मानचित्र को बाहर से देखता है तो मानचित्र के अंदर का भाग भ्रामक दिखाई देगा जैसे कि यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो एक मानचित्र मुहर जब लू लूझिंदलुओं ने दूर के दृश्यों को धुंधला देखा तो उसका रंग काला पड़ गया खेल के इस चरण में मोबाइल किले का अस्तित्व अटल था यदि वे अब इस स्थान को नहीं छोड़ सकते तो केवल मृत्यु ही उनका इंतज़ार कर रही थी ब्लैक फ्लेम कितनी निर्दयी है वह वास्तव में हम सभी को यहीं रखने के बारे में सोच रहा है पूरे मानचित्र पर छाई घनी धुंध को देखते हुए जानवर सम्राट ने उपहास किया हालांकि अगर वह सोचता है कि वह हमें इतनी चौड़ी मुहर के साथ रोक सकता है तो वह सपना देख रहा होगा गॉड्स डोमेन में जादुई अवरोध जितना बड़ा क्षेत्र कवर करेगा वह उतना ही कमज़ोर होगा हालांकि मानचित्रव्यापी बैरियर जीरो विंग को तैनात करना शानदार लग सकता है केवल एक मूर्ख ही सोचेगा कि यह एक हज़ार मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सबोटर्स की सेना को रोक सकता है इतना कहने के बाद बीस्ट सम्राट ने अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थोड़ी संख्या में तोड़फोड़ करने वालों को सेना से आगे बढ़ने और सीधे धुंध की ओर उड़ने के लिए कहा इस बीच बीस्ट एम्परर के साथ समान विचार साझा करते हुए हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्य पूरे नक्शे को सील होते देखने के बाद भी अप्रभावित रहे वे शांतिपूर्वक मानचित्र की सीमा की ओर उड़ते रहे मोबाइल किला किला लॉर्ड्स हवेली फॉक्स सेंट सेना और हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्यों को दूर और दूर जाते देख फायर डांस चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका गिल्ड लीडर हम उनके पीछे क्यों नहीं जाते अगर हमने उन्हें बैरियर के किनारे तक पहुंचने दिया तो मुझे डर है कि उन्हें यहां रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा संपूर्ण मानचित्र को सील करने में सक्षम एक अवरोध वास्तव में अद्भुत था हालांकि इतना व्यापक अवरोध निश्चित रूप से रक्षात्मक क्षमताओं के मामले में मोबाइल किले की बाधा का मुकाबला नहीं कर सका फॉक्स सेंट राक्षसों के कुछ हमलों के बाद सील टूटने की पूरी संभावना है अथर्व ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा नहीं उन्हें थोड़ी देर और चलने दो हम सबसे पहले पास के फॉक्स सेंट सबोटर्स को साफ करेंगे अटल हृदय हो और मायावी बातें भी चलने लगें इसके अलावा एल्वेन कैनन्स को फॉक्स सेंट सेना पर नज़र रखने को कहें यदि वे राक्षस वापस आने के बारे में सोचें तो उन्हें तुरंत मार गिराओ अन्य लोग शायद वर्ल्ड मिरर के प्रभाव को न समझ सकें लेकिन उन्होंने समझा सीक्रेट हैंड एसोसिएशन से उन तीन एनपीसी को मारने के बाद प्राप्त किए गए दो अतिरिक्त क्रिस्टलीय दर्पणों सहित अब उनके पास विश्व दर्पण बनाने वाले बारह दर्पणों में से छह थे हालांकि वह अभी भी वर्ल्ड मिरर के कई कार्यों का उपयोग नहीं कर सका क्योंकि यह अधूरा था वह एक संपूर्ण मानचित्र को अलग कर सकता था यहां तक कि टियर पांच के अस्तित्व को भी इस पृथक क्षेत्र से बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई होगी जबकि फॉक्स सेंट सेना के पास वास्तव में बड़ी संख्या में लोग थे उसके लड़ाकों की गुणवत्ता गंभीर रूप से अपर्याप्त थी वर्ल्ड मिरर के ऊर्जा भंडार को खत्म करने के लिए इसे एक घंटे से अधिक लगातार हमले की आवश्यकता होगी जीरो विन के लिए बहुत सारे काम करने के लिए एक घंटा काफ़ी था इसके अलावा भले ही वे एक घंटे के भीतर फॉक्स सेंट सेना को ख़त्म नहीं कर सके वह वर्ल्ड मिरर की ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अन्य तीन हज़ार स्टोन्स को इंजेक्ट कर सकता था रक्षात्मक जादुई सरणियों के विपरीत वर्ल्ड मिरर के पास अपने ऊर्जा भंडार को फिर से भरने के लिए कूलडाउन नहीं था एकमात्र समझौता यह था कि एक बार वर्ल्ड मिरर सक्रिय हो जाने के बाद यह तब तक सक्रिय रहेगा जब तक इसकी सारी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती इसे रक्षात्मक जादुई सरणियों की तरह बीच में ही बंद नहीं किया जा सकता था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इस लड़ाई में बहुत सारे जादुई क्रिस्टल खर्च किए थे यदि वह इन नकली संत राक्षसों से कुछ की एक स्पी अर्जित नहीं कर सका तो उसे भारी नुकसान होगा आखिरकार चाहे किले की स्थैतिक सुरक्षा में कितने भी राक्षस मारे जाएं, किले के अंदर के किसी भी रक्षक को कोई एक्सपी e हासिल नहीं होगा अधिक से अधिक रक्षकों को राक्षसों की लूट एकत्र करने का मौका मिलेगा हालांकि जब वस्तुओं की बात आती थी तो फॉक्स सेंट राक्षस मूल रूप से भिखारी थे यदि उन्होंने आइटम गिरा भी दिए तो वे आइटम निम्न गुणवत्ता के होंगे उनकी एकमात्र राहत वह औसत से अधिक की एक स्पी थी जो उन्होंने मारे जाने पर प्रदान की थी अथर्व ने बोलना समाप्त करने के बाद मोबाइल किले से बाहर उड़ान भरी और भाग रहे फॉक्स सेंट सबोटर्स का पीछा किया हालांकि अधूरा वर्ल्ड मिरर इसके भीतर फंसी शत्रु इकाइयों की बुनियादी विशेषताओं को कम नहीं कर सका लेकिन इसने उनकी गति और प्रतिक्रिया की गति को कम कर दिया विशेषकर हवा में उड़ रहे दुश्मनों की गति कम से कम साठ धीमी थी इसके अलावा सभी फॉक्स सेंट सबोटर्स को भारी चोटें आईं जिसका मतलब था कि उनकी उड़ान की गति अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई थी अथर्व के जाने के बाद फायर डांस ने वायलेट क्लाउड के साथ मोबाइल किले को छोड़ने से पहले तुरंत उसके आदेशों का पालन किया जहां तक लाइफलेस थॉर्न और सॉलिटरी नाइन की बात है ये दोनों बहुत पहले से ही किले से बाहर अथर्व का पीछा कर रहे थे आखिरकार पौराणिक राक्षस बाहरी दुनिया में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे यह स्तर 140 से अधिक मित्कीय राक्षसों के लिए विशेष रूप से सच था अब जबकि उनके सामने एक हज़ार नकली संत तोड़फोड़ करने वाले भारी रूप से घायल हो गए थे ये मिथकीय राक्षस मूल रूप से एक एक स्पी के बोरे चल रहे थे उन्हें दूर जाने देना बहुत बड़ी बर्बादी होगी दस सेकंड से भी कम समय में अथर्व ने कई दर्जन तोड़फोड़ करने वालों के एक समूह को पकड़ लिया उन्होंने तुरंत दो दुनियाओं की रोशनी लहराई बिजली की धार अगले ही पल बिजली की एक नदी उसके आगे के क्षेत्र में बह गई और पांच गज़ दूर तक फैल गई एक सौ मिलियन से अधिक की क्षति तब एक के बाद एक तोड़फोड़ करने वालों के सिर पर दिखाई देने लगी कौशल के साथ सेकंड की अवधि समाप्त होने के बाद तोड़फोड़ करने वाले जो मूल रूप से गंभीर एचपी पर थे राख में गिर गए इसके बाद अथर्व का अनुभव स्तर तेजी से बढ़ा केवल एक सेकंड में वह लेवल एक तक पहुंच गया कुछ समय बाद उसका अनुभव बार लेवल एक के बयासी पर आ गया सबोटर्स मानक मिथिक राक्षस की तुलना में ई एक्सपी के साथ कहीं अधिक उदार थे जहां तक उसके हमले से बचे ग्यारह तोड़फोड़ करने वालों की बात है तो अथर्व ने फार्मुलिस ब्लेड का इस्तेमाल किया जो कि एक टीयर चार लिगेसी स्किल है जिसे सीखने के लिए उसने एक सौ दस लिगेसी स्किल पॉइंट खर्च किए थे अगले ही पल कौशल द्वारा बनाई गई तेरह तलवारें अनगिनत शूटिंग सितारों में बदल गईं जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त सबोटर्स पर गिरी इनमें से प्रत्येक हमले ने मिथिक राक्षसों को 200 मिलियन से अधिक की क्षति पहुंचाई गंभीर हमलों के साथ 400 मिलियन से अधिक की क्षति हुई जिससे वे मौके पर ही मारे गए इसके तुरंत बाद एक और उज्जवल चमक ने अथर्व को घेर लिया जब वह स्तर एक पर पहुंच गया इस बीच इन नकली संत तोड़फोड़ करने वालों की मौत के बाद गहरे भूरे रंग की धुंध की किरणें उनकी लाशों से निकल गईं और अथर्व के दिमाग में बहने लगीं उसके मन में प्रवेश करने वाले धुंध के हर कतरे ने मन के साथ उसकी आत्मीयता को थोड़े थोड़े अंतर से बढ़ाया और यह बोनस लगातार जमा होता रहा क्या जादुई ऊर्जा है हालांकि मुझे अभी भी सोल मार्क्स दिए गए हैं जैसे कि जब मैंने उस नकली सेंट डेबूर को मार डाला था तो इस अजीब ऊर्जा का प्रभाव पहले की सफेद धुंध से बिल्कुल अलग है यह मन के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है जब अथर्व को अपने शरीर में बदलाव का एहसास हुआ तो वह हैरान रह गया इस समय अथर्व इस लाभ को नोटिस करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था अन्य जो पीछा करने में शामिल हुए थे उन्होंने भी फॉक्स सेंट सबोटर्स को मारने के लाभ को देखा यह नकली संत तोड़फोड़ करने वाले भले ही कोई लूट न करें लेकिन वे वास्तव में चलते फिरते खजाने हैं यदि हमारे कुछ टीयर तीन विशेषज्ञों को यह लाभ मिलता है तो उन्हें टीयर चार में पदोन्नत होने में बहुत आसानी होगी दो नकली सेंट सबोटर्स को मारने के बाद अनिल्डिंग हार्ट को जो लाभ मिला उससे वह आश्चर्यचकित रह गया कुछ दूरी पर भ्रामक शब्दों ने एक विध्वंसक को भी मार डाला और अप्रत्याशित लाभ देखा आश्चर्यचकित होकर उसने कहा ये तोड़फोड़ करने वाले शायद हमारे लिए टीयर चार से अधिक मददगार हैं यदि हम लगातार अपनी मैना आत्मीयता को बढ़ा सकते हैं तो हम मैना को अधिक आसानी से समझ पाएंगे यह हमारे मन निकायों की सीमाओं को तोड़ने में बहुत मदद करेगा टीयर चार तक पहुंचने के बाद किसी के मन शरीर में सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया अब ये नकली संत तोड़फोड़ करने वाले उन्हें ऐसा करने के लिए एक शॉर्टकट प्रदान कर रहे थे इस बिंदु तक सोचने पर उन दोनों ने अपनी हत्या की गति तेज़ कर दी अब वे केवल ये एक स्पी के लिए तोड़फोड़ करने वालों को नहीं मार रहे थे बल्कि खुद को और बेहतर बनाने के लिए भी मार रहे थे कुछ समय के लिए अथर्व और अन्य लोगों को भागते हुए फॉक्स सेंट सबोटर्स को उन्मादी ढंग से कुचलते हुए देखा जा सकता था उनका स्तर तेजी से बढ़ रहा था जानवर सम्राट जो मानचित्र की सीमा तक पहुंच गया था गुस्से से अपने दांत पीसने से नहीं रोक सका उन्होंने इन नकली सेंट सबोटर्स को तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किए थे ताकि वे अथर्व और अन्य लोगों के लिए समतल उपकरण बन सकें इस समय तक वह पहले ही तीन से अधिक तोड़फोड़ करने वालों को खो चुका था यदि वह मोबाइल किले की आक्रामक क्षमताओं से नहीं डरता तो उसने निश्चित रूप से प्रत्येक जीवित विध्वंसक को अथर्व के समूह को घेरने और मारने का आदेश दिया होता काला लॉ मैं तुम्हें देरसवेर भुगतान कर दूंगा जानवर सम्राट चिल्लाया उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी जब उसने दस हजार गज से अधिक दूर अथर्व को देखा इस बीच बीस्ट एम्पर के पास बैठे लू झिनलो ने भी आज के नुकसान के लिए अथर्व को गॉड्स डोमेन और वास्तविक दुनिया दोनों में भुगतान करने का संकल्प लिया अपने सामने घने कोहरे की ओर मुड़ते हुए जानवर सम्राट ने अपने चारों ओर मौजूद कई सौ नकली संत तोड़फोड़ करने वालों को आदेश दिया हमला करो इस अभिशप्त बाधा को तोड़ दो बीस्ट सम्राट की आज्ञा का पालन करते हुए कई सौ नकली संत तोड़फोड़ करने वालों ने उनके सामने घने कोहरे में अपने हथियार घुमाए हालांकि इन तोड़फोड़ करने वालों को भारी क्षति हुई थी फिर भी अपनी असाधारण तकनीकों के साथ वे अपने हमलों में पौराणिक मानक पर शक्ति प्रदर्शित करने में कामयाब रहे बूम तोड़फोड़ करने वालों के प्रत्येक हमले से प्रभाव पड़ने पर अंतरिक्ष में दरारें आ गईं स्थानिक आंसुओं ने क्षेत्र में क्षणिक अंधकार ला दिया हालांकि जब स्थानिक आंसू गायब हो गए तो बीस्ट सम्राट और लू जिंदलो दोनों पर वज्रपात हुआ असंभव उम्मीदों को धता बताते हुए सबोटर्स के चौतरफा हमले न केवल बैरियर को तोड़ने में विफल रहे बल्कि बैरियर में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ यह पहले की तरह बिल्कुल बरकरार रहा हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्य भी हैरान रह गए क्या इन तोड़फोड़ करने वालों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वे भारी घायल होने के बाद इस अवरोध को तोड़ सकें जेड लीफ को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि तोड़फोड़ करने वालों के हमलों के बावजूद धुंध की परत घनी बनी हुई है पूरे मानचित्र को घेरने और टेलीपोर्टेशन और संचार में बाधा डालने में सक्षम होना एक जादुई बाधा के लिए पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था फिर भी अब यह पता चला कि यह अवरोध वास्तव में इतने सारे नकली सेंट सबोटर्स के हमलों का सामना कर सकता है यह बिल्कुल अविश्वसनीय था सहमति में सिर हिलाते हुए स्वर्ण बख्तरबंद विशालकाय लॉन्ग देने कहा संभवतः उनके पास पर्याप्त विनाशकारी शक्ति नहीं है आइए हम स्वयं एक कदम उठाएं ऐसा लगता है कि यही हमारा एकमात्र विकल्प है विंडशैडो ने कहा विंडशैडो के हेरफेर के तहत प्राचीन राक्षसी सर्प ने तुरंत अपना मुंह खोला और अंधेरे की सांस छोड़ी सांस के हमले की शक्ति फॉक्स सेंट सबोटर्स के हमलों से कहीं अधिक थी इस हमले ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया बूम टक्कर होने पर प्रभाव बिंदु के कई गज के दायरे के भीतर का स्थान एक अंधेरे शून्य में बदल गया उस समय धुंध की परत भी जोर से कांप रही थी कंपन कई हज़ार गज दूर तक फैल रहा था कई सेकंड बीत जाने के बाद ही धुंध की परत सामान्य हुई यह अभी भी खड़ा है बीस्ट एम्परर और लू जिंदलुओं की तरह हंड्रेड घोष्ट के सदस्यों के चेहरे पर अब स्तब्ध भाव थे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था प्राचीन राक्षसी सर्प को टीयर चार में पदोन्नत किए जाने के बाद उसके चौतरफा हमले में टीयर पांच के प्रवेश स्तर पर शक्ति थी यहां तक कि उसी स्तर के सुपीरियर मिथिक राक्षस भी इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे वास्तव में यह हमला गिल्ड सिटीज़ के रक्षात्मक जादुई सरणी को एक शॉट कर सकता है फिर भी जब इस हमले ने इस पूरे मानचित्र को घेरने वाली बाधा पर हमला किया तो यह एक भी दरार पैदा करने में विफल रहा इस समय खंड्रेड घोस्ट के सदस्यों की तो बात ही छोड़िए यहां तक कि अड़िग दिल और भ्रामक शब्द भी जो अभी अभी बाकी फॉक्स सेंट सेना के साथ आए थे इस दृश्य से स्तब्ध थे वे दोनों बता सकते थे कि राक्षसी सर्प का हमला बर्बाद पर्वत श्रृंखला के एक क्षेत्र के स्वामी सोल सिंगर के चौतरफा हमले के बराबर था फिर भी राक्षसी सर्प का हमला मानचित्र के चारों ओर धुंध की प्रतीत होने वाली हल्की परत को तोड़ने में विफल रहा था इस जादुई बाधा की ताक़त बिल्कुल अनसुनी थी चूंकि इस जादुई बाधा ने पूरे मानचित्र को घेर लिया था इसलिए इसका टीयर चार हमलों को झेलना पहले से ही अविश्वसनीय था टीयर पांच हमलों का तो और भी अधिक इस जादुई बाधा और मोबाइल किले के, के संयोजन से जीरो विन संभवतः गॉड्स डोमेन में पहले से ही अजय था हालांकि बीस एम्परर और हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्यों का स्पष्ट रूप से हार मानने का कोई इरादा नहीं था अपनी घबराहट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने तुरंत उन्माद में धुंध की परत पर बमबारी की उनकी राय में भले ही उनके हमले बैरियर को नष्ट करने में विफल रहे लेकिन उनके हमलों ने बैरियर के ऊर्जा भंडार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समाप्त कर दिया था यदि उन्होंने अपना आक्रामक रुख अपनाया तो कुछ ही समय में अवरोध ढह जाएगा कुछ समय के लिए नकली संत सेना और प्राचीन राक्षसी सर्प ने जादुई बाधा को नष्ट कर दिया इस बीच अथर्व के समूह ने उनके सामने आए नकली सेंट सबोटर्स को कुचल दिया एक मिनट तीन मिनट दस मिनट इस समय अथर्व का समूह पहले ही 600 से अधिक तोड़फोड़ करने वालों को मार चुका था उनके द्वारा प्राप्त ई एक से अथर्व लेवल 146 पर पहुंच गया था जबकि फायर डांस वायलेक्ट क्लाउड अनिल्डिंग हार्ट और इल्यूसरी वर्ड्स लेवल 141 पर पहुंच गए थे लाइफलेस थॉर्न और सॉलिटरी नाइन अब लेवल एक पर थे जब अथर्व और अन्य लोग फॉक्स सेंट सेना से केवल पांच गज की दूरी पर खड़े थे तो बीस्ट एम्परर और हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्य अंत अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गए और बैरियर पर हमला करना बंद कर दिया फिर उन्होंने अथर्व के समूह और दूर स्थित मोबाइल किले को सावधानी से देखा ऐसा लगता है कि हम फिर मिलेंगे अथर्व ने बीस्ट एम्परर और विंडशेडो को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा अब क्या आप चुपचाप आत्मसमर्पण कर देंगे या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने रास्ते पर भेज दूं ब्लैक फ्लेम अपने आप से इतना मत भर जाओ मेरे तोड़फोड़ करने वाले पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुके हैं जानवर सम्राट ने अथर्व को घूरते हुए घुराया हालांकि मेरे पास लगभग तीन ही बचे हैं इस दूरी पर तुम लोगों को मारना मुश्किल नहीं होगा अथर्व के समूह द्वारा उसके लगभग सात सौ नकली सेंट सबोटर्स को मारने से जानवर सम्राट का दिल वास्तव में खून बह रहा था यदि उसे मोबाइल किले का डर नहीं होता तो उसने बहुत पहले ही अपनी नकली संत सेना को घेर लिया होता और अथर्व के समूह को पहले ही मार डाला होता हालांकि बीस्ट एम्परर के विपरीत विंडशैडो असाधारण रूप से शांत था नमस्कार गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम मैं विंडशैडो हूं सौ भूतों में से एक बुजुर्ग गहरी सांस लेने के बाद विंडशैडो ने धीरे धीरे कहा हंड्रेड घोस्ट ने इस बार हार मान ली है हम अपनी रिहाई और अवेकेंड एबिस की रिहाई के लिए फिरौती देने को तैयार हैं बुजुर्ग विंडशैडो विंडशैडो के शब्दों से जेड लीफ आश्चर्यचकित रह गई हंड्रेड घोष्स मुख्य महाद्वीप के गिड से भिन्न थे यहां तक कि पांच महान सुपर गिल्ड का भी हंड्रेड घोष्ट के लिए कोई महत्व नहीं था फिर भी उनका गिड जीरो विंग से हार स्वीकार कर रहा था उनका संघ मुख्य महाद्वीप की विभिन्न महाशक्तियों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा इसके अलावा उनके पास गिड के उच्च अधिकारियों को इस अपमान को समझाने का कोई तरीका नहीं होगा बीस्ट एम्परर और लू जिंडलवो भी इस स्थिति से स्तब्ध थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विंडशैडो बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण कर देगा इससे निस्संदेह जीरो विंग की सेना को हराने की उनकी संभावना कम हो जाएगी एल्डर विंडशैडो ऐसा लगता है कि हंड्रेड घोस्ट्स का मूल्य केवल इतना ही है यह सोचने के लिए कि हम लड़ना शुरू करने से पहले ही जीरो विंग से डर गए हैं बीस्ट सम्राट ने उपहास किया लॉर्ड बीस्ट एम्परर हंड्रेड घोस्ट्स अपने नियमों से संचालित होते हैं इसके अलावा शुरुआत से ही हंड्रेड घोस्ट्स को जीरो विंग से कोई खास शिकायत नहीं है हमारा संघर्ष केवल हमारे एक जूनियर द्वारा स्काई स्प्रिंग सिटी में जीरो विंग को अनजाने में अपमानित करने से उत्पन्न हुआ है यह बिल्कुल सही है कि उसे दंडित किया जाए विंडशैडो ने लापरवाही से जवाब दिया आप कितने धर्मी हैं एल्डर विंडशैडो मैं सचमुच आश्चर्यचित हूं जानवर सम्राट ने विंडशैडो की ओर घूरकर देखा उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी हंड्रेड घोस्ट्स की प्रतिष्ठा की इतनी कम परवाह करेगा यह स्पष्ट था कि विंडशैडो अथर्व के सामने हंड्रेड घोस्ट को उससे अलग करने की कोशिश कर रहा था उपहास करते हुए बीस्ट सम्राट ने कहा दुर्भाग्य से ब्लैक फ्लेम आपको जरूरी नहीं छोड़ेगा यह सही है मुझे संदेह है कि गिर्ड लीडर ब्लैक फ्लेम हमें इतनी आसानी से छोड़ देगा चकलिन विडशेडो ने कहा लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हंड्रेड घोस्ट मुआवजे के रूप में टियर तीन मैना सेट इक्विपमेंट फॉर डिजाइन का उपयोग करने को तैयार है क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है जानवर सम्राट ने आश्चर्य से कहा विंडशैडो के पीछे बैठे ब्लैक नाइट्स को देखकर ही बीस्ट एम्पर बता सकता था कि टीयर तीन मैना सेट उपकरण कितना शक्तिशाली था यदि उनके निचले स्तर नहीं होते तो संभवतः वे फॉक्स सेंट सबोटर्स के बराबर युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे यहां तक कि किसी भी टीयर चार खिलाड़ी के बिना इस टीयर तीन मैना सेट इक्विपमेंट पर केवल हंड्रेड घोस्ट्स का कब्जा संभवतः पांच महान सुपर गेड को इसके साथ टकराव से रोकने के लिए पर्याप्त होगा फिर भी विंडशैडो वास्तव में इस दिव्य उपकरण के लिए फोर्जिंग डिजाइन का उपयोग फिरौती के रूप में कर रहा था बीस्ट एम्पर और लू जिंगलुओं को तो छोड़ ही दें यहां तक कि अथर्व भी विंडशैडो के प्रस्ताव से दंग रह गया मूल रूप से अथर्व का इरादा विंडशैडो की अत्यधिक मांग करने का था और अगर विंडशैडो ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी तो अथर्व हंड्रेड घोष्ट के सदस्यों को मार डालेगा आखिरकार अब जब उसके पास मोबाइल किला था तो कोई भी जीरो विंड के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकता था स्वाभाविक रूप से उसे हंड्रेड घोष्ट का दुश्मन बनाने की परवाह करने की जरूरत नहीं होगी हालांकि अथर्व विडशैडो के प्रस्ताव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका तीन मैना सेट इक्विपमेंट एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह बहुत कुछ जानता था क्योंकि इसका अस्तित्व मैना फोर्जिंग नोट्स में दर्ज किया गया था हालांकि उनके स्वामित्व वाली मात्रा में इसकी उत्पादन विधि शामिल नहीं थी अथर्व की ओर देखते हुए विडशैडो ने पूछा क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप इस लेनदेन को करने के इच्छुक हैं गिड लीडर ब्लैक फ्लेम ठीक है मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं अथर्व ने मामले पर कुछ विचार करने के बाद कहा हालांकि मुझे बीस्ट एम्परर के समूह को मारने के लिए मेरी ओर से सहयोग की आवश्यकता होगी इसके अलावा मेरे लोगों को ही इन तोड़फोड़ करने वालों पर जानलेवा हमला करना चाहिए काला ज्योति जब बीस्ट सम्राट ने अथर्व की बातें सुनी तो उसे आगे बढ़ने और अथर्व को मारने की इच्छा हुई थोड़ा इंतज़ार करिए देरस बेर मैं हालांकि इससे पहले कि बीस्ट एम्परर अपनी बात खत्म कर पाता अथर्व जो चार सौ गज से अधिक दूर खड़ा था अचानक उसके सामने आ गया टीयर चार लिगेसी स्किल मैजिक लाइट असॉल्ट अथर्व का हमला इतना तेज था कि कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका जब तक किसी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है दो दुनियाओं की रोशनी पहले ही जानवर सम्राट के दिल को भेज चुकी थी अब एसवी जब जानवर सम्राट ने अपने हृदय में तलवार घुसी हुई देखी तो वह स्तब्ध रह गया उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अथर्व इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा जिससे उसके पास जीवन बचाने के किसी भी कदम के लिए समय नहीं बचेगा और इससे भी बदतर जब वह एक ही हमले में अपना सारा एचपी खो रहा था उसने देखा कि अथर्व एक जलता हुआ गहरा काला स्क्रॉल पकड़े हुए है यह ब्लैक मैजिक स्क्रॉल बीस्ट एम्परर जैसे डार्क प्लेयर्स से परिचित था यह टीयर तीन मैजिक स्क्रॉल एबिसल अभिशाप था सक्रिय होने पर स्क्रॉल लक्ष्य पर लॉक हो जाएगा और लक्ष्य की मृत्युदंड को तीन मिनट के लिए तीन से पांच गुना तक बढ़ा देगा इस दृश्य को देखकर लू जिंगल अवाक रह गया उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व इतना भयावह कदम उठाएगा उसने भी कभी नहीं सोचा था कि बीस्ट एम्परर ऐसे ही मर जाएगा अगले ही पल अथर्व ने बीस्ट सम्राट की लाश से अपनी तलवार निकाली और उसके द्वारा गिराई गई दो वस्तुओं को उठा लिया फिर उसने अपनी नजर लू झिंगलुओं पर डाली और शांति से मुस्कुराया लीडर झिंगलुओ अब समय आ गया है कि हम अपने पुराने कर्ज चुकाए एक उदास और शांत पहाड़ के भीतर बने एक विशाल मंदिर में मंदिर के केंद्र में वेदी पर अचानक एक काली चमक दिखाई दी जब यह काला फ्लैश गायब हो गया तो बीस्ट एम्परर की पट्टीदार आकृति उसके स्थान पर खड़ी हो गई बीस्ट एम्परर की आभा थोड़ी कमजोर होने के अलावा उसका स्तर वास्तव में वही रहा वह अभी भी लेवल एक सौ बत्तीस तेयरचार पर था बावजूद इसके कि कुछ देर पहले ही अथर्व ने उसे मार डाला था काला लॉ तुमने सोचा था कि तुम रसातल अभिशाप का उपयोग करके मुझ पर प्रहार कर सकते हो सपने देखते रहो मुझे दुष्ट परमेश्वर से अमर शारीरिक अभिशाप मिला यह भी मत सोचो कि तुम मुझे इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हो जब बीस्ट सम्राट को वह क्षण याद आया जब अथर्व ने उसे मारा था तो उसने व्यंग्य किया थोड़ा इंतजार करिए मेरे पास पहले से ही टियर पांच फॉक्स सेंट राक्षस को विकसित करने की नींव है एक बार जब मैं पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर लूंगा तो मैं आपके जीरो विंग को मौत का डर महसूस कराऊंगा टीयर चार कर्स इमोर्टल बॉडी ने उसे दिन में एक बार दंड के बिना अपने निर्दिष्ट दुष्ट भगवान के मंदिर में तुरंत पुनर्जीवित होने की अनुमति दी वह खुद को मारने के लिए भी अभिशाप का उपयोग कर सकता है और यहां तक कि प्रतिबंधों के अधीन होने पर भी इस अभिशाप को सक्रिय होने से नहीं रोका जा सकेगा यह कदम एनपीसी द्वारा कब्जा किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा तैयार किया गया तुरूप का पत्ता था आखिरकार यदि वह एनपीसी विशेष रूप से युद्ध भगवान के मंदिर के एनपीसी द्वारा पकड़ा गया तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा इस श्राप के कारण ही उसे अब छुपकर नहीं रहना पड़ा और पकड़े जाने का डर नहीं रहा यह अफसोस की बात है कि मैं लू जिंगलुओं को बचाने में कामयाब नहीं हो सका उनकी मदद से मैं बहुत जल्दी टियर पांच फॉक्स सेंट मॉन्स्टर का उत्पादन कर सका एक बार फिर ऐसा लगता है कि मेरे अलावा मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है बीस्ट एम्परर ने मन में सोचा खुद के विपरीत लू झिंगलुओं केवल टीयर तीन पर था अथर्व आसानी से लू झिंगलुओं को पकड़ सकता था इसके अलावा स्काई स्प्रिंग सिटी से लू झिंगलुओं के पिछले पलायन ने उसके शरीर को बुरी ऊर्जा से दूषित कर दिया था यदि अथर्व ने लू झिंगलुओं को युद्ध देवता के मंदिर को सौंप दिया तो यह बात के लिए खेल खत्म हो जाएगा लू झिंगलुओं को न केवल एक नया खाता बनाना होगा बल्कि ऐसा करने से पहले उसे एक दर्जन दिनों से अधिक इंतज़ार भी करना होगा लेकिन अगर मुझे खुद पर भरोसा करना पड़े तो क्या होगा अब जबकि मेरे पास वह महान खजाना है तो एक हज़ार पौराणिक नकली संतों की तो बात ही छोड़िए मैं थोड़े ही समय में पांच हज़ार पौराणिक नकली संत भी बना सकता हूं इस बिंदु तक सोचने के बाद बीस्ट सम्राट ने हाल ही में प्राप्त महान खजाने को निकालने के लिए अपना स्पेटियल बैग खोला एक क्षण बाद बीस्ट एम्परर के चेहरे पर घबराहट उभर आई वह चला गया अपने स्पेटियल बैग को तीन बार देखने के बाद बीस्ट सम्राट का दिमाग शून्य हो गया यह नहीं हो सकता इस विचार पर जानवर सम्राट का चेहरा उदास हो गया काला लॉ मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक तुम मर न जाओ जानवर सम्राट चिल्लाया गगनभेदी दहाड़ पूरी खामोश गुफा में गूंज उठी उसी समय जब बीस्ट सम्राट पुनर्जीवित हो गया दूर स्थित गुप्त वाचा टॉवर के पास अथर्व ने लू झिंदरुओं को एक डार्कनेस बाइंड के साथ नियंत्रित किया और उसे एक मोबाइल जेल के साथ पकड़ लिया उसने लू जिंगलुओं को भागने या आत्महत्या करने का कोई मौका नहीं दिया अथर्व द्वारा बीस्ट सम्राट को मारने और लू जिंगलुओं को कैद करने की पूरी प्रक्रिया में केवल पांच सेकंड लगे और इस दृश्य को देखकर हंड्रेड घोष्ट के सदस्यों के पसीने छूट गए ऐसा इसलिए था क्योंकि अथर्व का आक्रमण आश्चर्यजनक रूप से तेज था यहां तक कि टीयर चार शैडो डांसर विंड शैडो ने भी हमले पर तभी प्रतिक्रिया दी थी जब अथर्व पहले से ही बीस्ट एम्परर के सामने खड़ा था इसके अलावा अथर्व के आक्रमण की शक्ति भी उतनी ही अविश्वसनीय थी टीयर चार रक्षात्मक वर्गों के अलावा किसी भी अन्य टीयर चार खिलाड़ी पर हमला होने पर उसकी तुरंत मृत्यु होने की संभावना है इस बीच बीस्ट सम्राट की मृत्यु के बाद फॉक्स सेंट सेना अराजकता में गिर गई और शेष सैकड़ों हजारों फॉक्स सेंट राक्षस सभी दिशाओं में भागने लगे केवल पौराणिक रैंक वाले फॉक्स सेंट सपोर्टर्स ही अपेक्षाकृत शांत रहे यह जानते हुए कि वे मानचित्र को सील करने वाली बाधा को नहीं तोड़ सकते 300 से अधिक तोड़फोड़ करने वाले अंतिम प्रयास में तुरंत अथर्व के समूह की ओर बढ़ गए मूर्खतापूर्ण प्रतिरोध तोड़फोड़ करने वालों की प्रतिक्रिया को देखते हुए अथर्व ने रिंग ऑफ गॉस्पेल को बाहर निकाला रिंग में पांच हजार जादुई क्रिस्टल डाले और मिनिएचर वर्ल्ड को सक्रिय किया तुरंत अथर्व के पांच हजार गज के दायरे में जगह जम गई इसके साथ ही आकाश से एक शक्तिशाली दबाव उतरा जिससे मौजूद सभी नकली संत राक्षसों का वजन बढ़ गया और उनके मूल गुण और शरीर में भारी कमी आ गई पलक झपकते ही फॉक्स सेंट राक्षसों की युद्ध शक्ति आधी हो गई विश्व दमन लॉन्ग डे ने जब फॉक्स सेंट सबोटर्स की काया और गति में गिरावट देखी तो वह आश्चर्य से चिल्ला उठे इस ब्लैक फ्लेम के पास कितने तुरुप के पत्ते हैं पहले उन्होंने सोचा था कि शेष तीन सौ से अधिक फॉक्स सेंट सबोटर्स अभी भी जीरो विंग के लिए बहुत परेशानी लाएंगे हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने पहले के विचार हास्यास्पद लगे विश्व दमन सामान्य जादुई बाधाओं के दमन प्रभाव से भिन्न था इसने एक व्यक्ति को सभी पहलुओं से दबा दिया और यहां तक कि मैना डोमेन के साथ टीयर चार अस्तित्व भी इसका विरोध नहीं कर सका और यदि टीयर चार अस्तित्व के पास मैना डोमेन नहीं है तो वे जमे हुए स्थान के भीतर उड़ान नहीं भर सकते अथर्व की मिनिएचर वर्ल्ड के परिणाम स्वरूप फॉक्स सेंट सबोटर्स के पास अब केवल टीयर चार के प्रवेश स्तर पर युद्ध शक्ति थी उनमें से हर कोई उड़ने की क्षमता खोने के बाद जमीन पर गिर गया था इस समय टीयर चार खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़िए टीयर तीन शिखर विशेषज्ञ भी इन पौराणिक राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं हंड्रेड घोस्ट्स के देवियों और सज्जनों क्या आप हमारे समझौते के अनुसार अब कार्रवाई कर सकते हैं अथर्व ने हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्यों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा या आपके पहले के शब्द महज एक मजाक थे आप मज़ाक कर रहे हैं गिड लीडर ब्लैक फ्लेम हम निश्चित रूप से अपने समझौते का पालन करेंगे विडशैडो ने हंसते हुए उत्तर दिया उसने अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया अरे झुंड आगे बढ़ो विंडशैडो के आदेश का पालन करते हुए ब्लैक नाइट लीजन के सदस्यों ने फॉक्स सेंट सबोटर्स को तुरंत रोक दिया हालांकि ये ब्लैक नाइट्स केवल टीयर तीन पर थे लेकिन उन्होंने टीयर तीन मैना सेट इक्विपमेंट को स्पोर्ट किया था कच्ची शक्ति के मामले में जब ये राक्षस अपने चरम पर थे तो उन्होंने फॉक्स सेंट सबोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया अब तो छोड़ ही दें अगले ही पल तोड़फोड़ करने वालों को केवल एक आदान प्रदान के बाद खदेड़ते हुए देखा जा सकता है ब्लैक नाइट लीजन के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था ब्लैक नाइट्स पर नजर डालने के बाद अथर्व ने फायर डांस की ओर रुख किया और कहा फायर समर को बुलाओ और बाकी लोग भी लड़ाई में शामिल हो जाओ हर किसी को कम से कम तीन विध्वंसक हत्याएं मिलनी चाहिए ये नकली संत तोड़फोड़ करने वाले पूर्ण खजाने थे हालांकि उन्होंने कोई लूट नहीं की लेकिन उन्होंने जो गहरे भूरे रंग की धुंध छोड़ी वह न केवल टीयर चार खिलाड़ियों के लिए बल्कि टीयर तीन खिलाड़ियों के लिए भी अविश्वसनीय मूल्य की थी अब जब टीयर चार का युग आ गया है तो यह सबसे अच्छा होगा यदि वह एल्यूरिंग समर और अन्य लोगों को भी टीयर चार तक पहुंचने में मदद करे ठीक है मैं उन्हें तुरंत बुला लूंगा फायर डांस ने सिर हिलाया और तुरंत मोबाइल किले से संपर्क किया जैसे ही फायर डांस आकर्षक समर और अन्य लोगों को बुला रहा था अनैल्डिंग हार्ट और इल्यूसरी वर्ड्स अचानक अथर्व के पास पहुंचे गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम क्या आपके लिए हमें इनमें से एक दर्जन तोड़फोड़ करने वालों को बेचना संभव है अड़िग दिल ने शर्मिंदगी से पूछा हम प्रत्येक तोड़फोड़ करने वाले के लिए एक पूर्ण टियर तीन लिगेसी का भुगतान करने को तैयार हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे दोनों इन नकली सेंट सबोटर्स की लालसा न करें उस ग्रे धुंध की मदद से वे अपने गिल्ड के शिखर विशेषज्ञों की टीयर चार तक पहुंचने की संभावनाओं को महत्वपूर्ण अंतर से बढ़ा सकते हैं खेल के इस चरण में विभिन्न महाशक्तियों को अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए टियर चार लड़ाकों की तत्काल आवश्यकता थी यदि उनके दो गिल्ड थोड़े समय के भीतर कुछ और टीयर चार खिलाड़ियों को प्राप्त कर सकते हैं तो वे इस कठिन समय से अधिक आसानी से बच जाएंगे अपने सामने दो लोगों के शर्मिंदा भावों को देखकर अथर्व ने हंसते हुए कहा अब और मत कहो जीरो विंग को महाशक्तियों का विरोध करने में मदद करने के लिए आपके गिल्ड ने बहुत बलिदान दिया है आप प्रत्येक मुआवजे के रूप में तीस तोड़फोड़ करने वाले ले सकते हैं मुझे उनके लिए आपको कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है सच कहूं तो वह अड़िग आत्मा और क्रिम्सन सम्राट के प्रति बहुत आभारी महसूस करता था यदि इन दो गिल्डों की मदद नहीं होती तो जीरो विंग उसके लौटने तक गुप्त वाचा टॉवर पर कब्जा नहीं कर पाता इस प्रकार उन्हें कुछ नकली सेंट सबोटर्स देने में कोई आपत्ति नहीं हुई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है यदि दो सुपर प्रथम श्रेणी के गिर्ड मज़बूत हो गए तो वे जीरो विंग के लिए भी बहुत अधिक मददगार होंगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीरो विंग के पास इतने सारे टियर तीन खिलाड़ी नहीं थे जो सबोटर्स की ग्रे धुंध का उपयोग कर सकें ग्रे धुंध को केक पर आइसिंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्रिस्टल ऑफ सोल्स और सोल वाटर की तरह ग्रे मिस्ट केवल उन खिलाड़ियों के लिए उपयोगी था जो टीयर चार तक पहुंचने की क्षमता रखते थे इस बीच वर्तमान जीरो विंग में बीस से भी कम ऐसे खिलाड़ी थे इन खिलाड़ियों को ग्रे मिस्ट के एक से अधिक स्टैक हासिल करने देने से भी कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा एक स्टैक से अपने प्रमोशन के लिए उन्हें जो मदद मिल सकती है वही मदद उन्हें कई स्टैक से मिल सकती है इसलिए इसके बजाय फायर डांस और अन्य के स्तर को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सपोर्टर्स का उपयोग करना बेहतर होगा धन्यवाद गिल्ड लीडर ब्लैक फ्लेम अथर्व की बातें सुनकर अड़िग दिल और मायावी शब्द खुशी से झूम उठे साठ तोड़फोड़ करने वाले उनके दो गिल्ड के शीर्ष विशेषज्ञों के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे इसके बाद लगभग एक घंटे की लड़ाई के बाद अथर्व और अन्य लोगों ने फॉक्स सेंट सेना को नष्ट कर दिया तब तक अथर्व का स्तर 146 से बढ़कर 148 हो गया था जबकि फ़ायर डांस और जीरो विंग के अन्य टीयर चार सदस्य 145 के स्तर तक पहुंच गए थे जहां तक एल्यूरिंग समर और अन्य जीरो विंग अधिकारियों का सवाल है जो अभी भी टीयर तीन पर अटके हुए थे उनके पास था स्तर एक और उससे ऊपर तक पहुंच गया इस लड़ाई से हर कोई उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ गया था फॉक्स सेंट सेना को मारने के बाद विडशेडो ने सहमति के अनुसार अथर्व को एक टीयर तीन वन सेट उपकरण फोर डिज़ाइन सौंपा और फोर डिज़ाइन प्राप्त करने के बाद अथर्व ने स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल से अवेकेंड एबिस को रिहा कर दिया और वर्ल्ड मिरर के निष्क्रिय होने के बाद हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्यों को बरकरार रहने दिया गुप्त वाचा टॉवर पर लड़ाई की समाप्ति और विश्व दर्पण के गायब होने के साथ इस लड़ाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई फायर ड्रैगन एम्पायर फ्लिम ड्रैगन सिटी फॉक्स सेंट सेना का सफाया हो गया और हंड्रेड घोस्ट्स ने आत्मसमर्पण कर दिया वह कैसे संभव है जब विभिन्न महाशक्तियों को गुप्त वाचा टॉवर पर लड़ाई के परिणाम के बारे में पता चला तो वे अवाक रह गए आखिरकार जीरो विंग पर हमला करने वाली सेनाओं में एक हजार मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षस और हंड्रेड घोस्ट के शीर्ष लड़ाके शामिल थे एक रहस्यमय गिल्ड जिससे पांच महान सुपर गिल्ड भी डरते थे फिर भी ऐसी ताकत वास्तव में हार गई थी इसके अलावा नुकसान पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार था विभिन्न महाशक्तियां विशेष रूप से चौंक गईं जब उन्होंने शुद्ध करने वाली रोशनी के वीडियो को फॉक्स सेंट सेना के एक बड़े हिस्से को वाष्पित करते हुए और फॉक्स सेंट सबोटर्स में से प्रत्येक को भारी रूप से घायल करते हुए देखा जब उन्होंने यह हमला देखा तो उन्हें लगा जैसे सिस्टम उनके साथ क्रूर मजाक कर रहा है इस बीच फ्रॉस्ट हेवन के निवास के अंदर जब मक्सिन ने वह रिपोर्ट पढ़ी जो उसके अधीनस्थ ने उसे भेजी थी तो वह सदमे में बोली आश्चर्यजनक जैसा कि जीरो विंग से अपेक्षित था फ्रॉस्ट हेवन ने जीरो विंग को उसकी दुर्दशा से बाहर निकालने में मदद करने पर विचार किया था हालांकि बारह महान गिल्डों के लिए आरक्षित स्थान प्राप्त करने के बाद फ्रॉस्ट हेवन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर विशेष रूप से परेशानी वाले थे प्रतियोगिता के बाद फायर ड्रैगन एम्पायर में कई मौकों पर दो सुपर गिल्ड फ्रॉस्ट हेवन के साथ भिड़ गए थे इसके अलावा माइथोलॉजी और मिरेकल जैसी महाशक्तियों ने फ्रॉस्ट हेवन के संचालन में गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया इससे फ्रॉस्ट हेवन के लिए फायर ड्रैगन साम्राज्य में अपना प्रभाव फैलाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया यदि फ्रॉस्ट हेवन ने फायर ड्रैगन साम्राज्य के विभिन्न प्रमुख एनपीसी शहरों की घेराबंदी नहीं की होती और घरेलू मैदान पर लाभ हासिल नहीं किया होता तो गिल्ड बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता आख़िरकार स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर की जड़ें फायर ड्रैगन साम्राज्य में अविश्वसनीय रूप से गहरी थीं वास्तव में फायर ड्रैगन एम्पायर के कुछ एनपीसी बलों ने दो सुपर गिल्ड के साथ गठबंधन भी किया था सौभाग्य से फ्रॉस्ट हेवन ने एक तटीय देश स्नो लायन साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया था राज्य ने फ्रॉस्ट हेवन को संसाधनों और धन की निरंतर आपूर्ति प्रदान की जिससे गेड को फायर ड्रैगन साम्राज्य में लड़ते रहने की अनुमति मिली एक मोबाइल किला क्या यह है जब हांग जिनिवान ने छोटे मोबाइल किले के बारे में जानकारी पढ़ी तो वह भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका मुझे आश्चर्य है कि हम अपना खुद का कब प्राप्त कर पाएंगे रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोर्ट्रेस की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के साथ यह लेवल 140 से अधिक तटस्थ मानचित्र में जीवित रह सकता है इसने खेल के इस चरण में इसे सभी महाशक्तियों के लिए एक स्वप्निल सुविधा बना दिया लेवल 140 सौ प्लस न्यूट्रल मानचित्रों ने न केवल खिलाड़ियों को अधिक तेजी से लेवल ऊपर करने की अनुमति दी बल्कि उनके पास विभिन्न दुर्लभ संसाधन विरासतें प्राचीन खंडहर और यहां तक कि सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल भी थे मूल रूप से खिलाड़ी केवल कुछ विशिष्ट मानचित्रों से सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल प्राप्त कर सकते थे हालांकि लेवल 140 से ऊपर के सभी मानचित्रों में सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल्स को उत्पन्न करने की काफी संभावना थी ऐसा इसलिए था क्योंकि इन मानचित्रों में दिखाई देने वाले यादृच्छिक तीन डंग्न और समय सीमित क्षेत्रीय डंग्न में सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल को गिराने की एक छोटी सी संभावना थी हालांकि लेवल एक प्लस मानचित्र अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थे इन मानचित्रों में न केवल खिलाड़ी के शरीर को तेजी से नष्ट करने वाली विदेशी ऊर्जाएं व्याप्त थीं बल्कि उनमें शक्तिशाली राक्षस भी व्याप्त थे हालांकि स्तर 140 से अधिक के नक्शे निषिद्ध भूमि जितने खतरनाक नहीं थे रात और दिन की परवाह किए बिना वहां अक्सर पशु ज्वार आते रहते थे यहां तक कि टयर चार विशेषज्ञ भी नष्ट हो जाएंगे यदि वे गलती से इन जानवरों के ज्वार में से एक के सामने आ जाएं और घिर जाएं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवल एक प्लस मानचित्र एनपीसी का मुख्य शिकार स्थल थे अब जब जीरो विन के पास मोबाइल किला था तो हांग जिनयुआन पहले से ही कल्पना कर सकता था कि भविष्य में गिड़ को कितना फ़ायदा होगा वास्तव में गुप्त वाचा टॉवर पर इसके पूर्ण नियंत्रण ने पहले ही इसे एक ऐसा लाभ प्रदान कर दिया था जो सुपर गिल्ड के पास भी नहीं था इस बिंदु पर जीरो विंग को तब तक इंतजार करना था जब तक कि उसके पास पर्याप्त संख्या में टियर तीन खिलाड़ी न हो पर्याप्त ताकत के साथ गिल्ड गॉड्स डोमेन में विभिन्न संसाधन स्थानों और एनपीसी शहरों पर कब्जा करना शुरू कर सकता है आखिरकार जीरो विंग पांच महान सुपर गिल्डों को टक्कर देने वाला अस्तित्व भी बन सकता है उसी समय सुदूर सर्वनाश साम्राज्य में कोल्ड शैडो को भी यह चौंकाने वाली खबर मिली दिलचस्प यहां तक कि नकली संत सेना और हंड्रेड घोस्ट भी उनके सामने असहाय हैं जब कोल्ड शैडो ने अपने अधीनस्थ द्वारा उसे भेजी गई रिपोर्ट पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई इतना दुखद नुकसान झेलने के बाद लू लूझिनलो संभवतः उत्तराधिकारी के रूप में अपना पद खो देंगे अब हमें क्या करना चाहिए वाइस गिल्ड लीडर व्हाइट फेदर ने चिंतित होकर पूछा गिल्ड लीडर ने हमें पूर्वी महाद्वीप पर एक ठोस नींव रखने के लिए यहां भेजा है ताकि हम भविष्य में दोनों महाद्वीपों पर हावी हो सकें फिर भी जीरो विंग मजबूत हो रहा है जबकि मेरेकल का आधा पैर कब्र में है चिंता मत करो जब तक हम लॉर्ड ओडिन द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर लेते हैं पौराणिक कथाओं को पूर्वी महाद्वीप पर किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा कोल्ड शैडो ने फीकी मुस्कान के साथ कहा अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमें जीरो विंग के शहरों पर भी कब्जा करने को मिल सकता है आखिरकार पूर्वी महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है ज्यादा समय नहीं बचा कोल्ड शैडो की बातें सुनकर व्हाइट फेदर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ हालांकि उसे तुरंत कुछ याद आया और उसने पूछा क्या लॉर्ड ओडिन पहले ही अपने पक्ष में सफल हो चुके हैं मम्म पूर्वी महाद्वीप पहला युद्ध क्षेत्र बनेगा शीत छाया ने सिर हिलाया जब वह समय आएगा पूर्वी महाद्वीप की विभिन्न शक्तियां केवल यह देख सकती हैं कि वे धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं यहां तक कि मोबाइल किले वाले जीरो विंग को भी नहीं बख्शा जाएगा ट्विन टावर्स किंगडम स्काई स्प्रिंग सिटी जीरो विंग की शानदार जीत के कारण स्काई स्प्रिंग सिटी पर जबरन कब्जा करने वाली विभिन्न महाशक्तियां निराशा में पड़ गईं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हालांकि महाशक्तियों के सदस्यों के विपरीत जीरो विंग अनिल्डिंग सोल और क्रिमसन एम्परर के सदस्यों ने पागलों की तरह खुशी मनाई और जश्न मनाया आखिरकार गुप्त वाचा टॉवर पर लड़ाई ने उनके तीन गिल्डों को टॉवर का पूरा स्वामित्व दे दिया था इस बीच टावर द्वारा निर्मित टीयर तीन लेगेसीज के साथ उनके तीन गिल्ड में इयर तीन विशेषज्ञों की संख्या आसमान छू जाएगी अंत सुपर गिल्ड भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे वास्तव में पर्याप्त समय दिए जाने पर उनके तीन गिल्डों को अब एनपीसी बलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी एल्डर विंडशैडो आपने जीरो विंग को टियर तीन मैनासेट इक्विपमेंट फोर्जिंग डिज़ाइन क्यों दिया यह जीरो विंग को और भी मज़बूत बनाएगा और हमारी योजनाओं पर भारी असर डालेगा हमारे वापस लौटने पर गिल्ड लीडर निश्चित रूप से हमें डांटेगा अवेकंड एबिस ने पूछा जो हाल ही में स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल से रिहा हुआ था जब उसने विंडशैडो की हरकतों के बारे में सुना तो वह अवाक रह गया टीयर तीन मैना सेट उपकरण टीयर तीन खिलाड़ियों को टीयर चार खिलाड़ियों से मुकाबला करने की अनुमति दे सकता है कोई भी गिल्ड जो इस सेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है वह खेल में एक बड़ा खतरा बन जाएगा वास्तव में सेट की फोर्जिंग डिजाइन को मोबाइल किले से भी अधिक मूल्यवान माना जा सकता है आखिरकार मोबाइल किला एक समय में केवल एक ही स्थान सुरक्षित कर सकता था इसकी तुलना में कई टीयर चार लड़ाकों के होने से एक गिल्ड को एक साथ कई पदों को सुरक्षित करने की अनुमति मिलती है एबिस क्या आप अभी भी एल्डर विडशेडो के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए हैं लॉन्ग डे ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा क्या आपको सच में लगता है कि वह जीरो विन को उसका फायदा उठाने देगा आपका क्या मतलब है जागृत एबिस ने आश्चर्य से पूछा कियर तीन मैना सेट इक्विपमेंट कितना शक्तिशाली है क्या आपको लगता है कि जीरो विन केवल फोर्जिंग डिजाइन के साथ इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है चकलिंग लॉन्ग डे ने समझाया सेट बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक उन्नत मास्टर फोर्जर है इसके अलावा विचाराधीन जालसाज को उन्नत जादूगर मानक पर होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेट के उत्पादन के लिए अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है मैना एडमांटाइट हमारे यहां तो दूर यहां तक भी मुश्किल से उपलब्ध है और भले ही हम मान लें कि जीरो विंग वास्तव में सेट का निर्माण कर सकता है फिर भी इसे सुसज्जित करने के लिए टीयर चार स्ट्रेंथ की आवश्यकता है यदि जीरो विंग इनमें से एक भी बिंदु को पूरा नहीं कर सकता है तो वह फोर्जिंग डिज़ाइन स्क्रैप पेपर के टुकड़े से बेहतर नहीं होगा लॉन्ग डे का स्पष्टीकरण सुनने पर अवेकेंड एबिस को तुरंत एहसास हुआ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा दूसरे शब्दों में जीरो विंग को जो मिला वह महज एक रद्दी का टुकड़ा है कागज़ यह सही है वह ब्लैक फ्लेम सोचता है कि उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है लेकिन यह वास्तविकता से बहुत दूर है लॉन्ग डे ने सिर हिलाते हुए कहा हालांकि हमें यह जगह जल्दी छोड़ देनी चाहिए गिल्ड लीडर ने हमें सूचित किया कि यह महाद्वीप जल्द ही नष्ट हो जाएगा एक बार जब हम यहां अपना काम पूरा कर लेंगे तो हमें जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना होगा अगर हमें इस झंझट में घसीटा गया तो यह बुरा होगा मैं समझता हूं मैं जेड लीफ के साथ मिलकर गिल्ड लीडर द्वारा मुझे दिए गए कार्यों को पूरा करूंगा अवेकेंड एबिस ने कहा लॉन्ग डे के बाद के शब्दों को सुनने के बाद और भी उत्साहित हो गया पहले वह अभी भी जीरो विन से बदला लेने के विचारों का मन बना रहा था हालांकि वे अब अनावश्यक लग रहे थे जब हंड्रेड घोस्ट्स के सदस्य दूर स्थित मोबाइल किले के, के अंदर स्काई स्प्रिंग सिटी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तब अथर्व आश्चर्यचकित रह गया जब उसने बीस्ट एम्परर द्वारा गिराई गई वस्तुओं का निरीक्षण किया यह चीज उसके हाथ कैसे लगी एक समय के लिए अथर्व अपनी आंखों पर संदेह किए बिना नहीं रह सका ऐसा इसलिए था क्योंकि बीस्ट एम्परर द्वारा गिराई गई दोनों वस्तुएं असाधारण थीं उनमें से एक ऐसी चीज थी जिसे अथर्व काफी समय से खोज रहा था आग का खजाना शुद्धिकरण मुकुट जब अथर्व ने प्यूरिफिकेशन क्राउन को देखा तो वह प्रसन्न होने से खुद को नहीं रोक सका सात खज़ानों को ढूंढना आसान नहीं था भले ही वह सात खजानों का पता लगाने के लिए गोल्डन स्टिग्माटा के डिटेक्ट कौशल का उपयोग कर सकता था लेकिन कौशल की सीमा सीमित थी इसके अलावा ऐसे कई तरीके थे जिनसे कोई व्यक्ति कौशल के प्रभावों को रोक सकता था उदाहरण के लिए शुद्धिकरण मुकुट को उसके हाथों में लें डिटेक्ट के सक्रिय या निष्क्रिय पहचान प्रभाव इस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे इसलिए जानवर सम्राट को मारकर आग का खजाना प्राप्त करना अथर्व के लिए एक पूर्ण आश्चर्य था उन्होंने प्यूरिफिकेशन क्राउन पर अपनी उंगली थपत पाई और आग के इस प्रसिद्ध खजाने के कार्यों के बारे में उत्सुकता से इसके एट्रीब्यूट पैनल को बुलाया शुद्धिकरण क्राउन खंडित पौराणिक रैंक आइटम आग के खजाने का एक टुकड़ा हालांकि दुष्ट ईश्वर द्वारा सील किए जाने के कारण टुकड़ा अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ है कौशल एक ज्वाला का बीज सभी लपटों को नियंत्रित कर सकता है और ज्वाला के बीज में बदल सकता है ज्वाला के बीज को अवशोषित करने पर उपयोगकर्ता ज्वाला के बीज को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लौ में हेरफेर करने में सक्षम होगा टीयर चार की लपटों में परिवर्तित हो सकता है कुलडाउन तीन दिन कौशल दो शुद्धिकरण अग्नि शुद्धिकरण अग्नि उत्पन्न करने के लिए तीन सौ अग्नियुक्त जादुई क्रिस्टल खर्च करें शुद्धिकरण अग्नि से किसी प्राणी की जीवन रेटिंग बढ़ाने की बीस संभावना होती है और किसी प्राणी को पूरी तरह से खत्म करने की अस्सी संभावना होती है कौशल तीन दैवीय शुद्धि शुद्धिकरण मुकुट को शुद्ध करने के लिए ईश्वरीय क्रिस्टल खर्च करें प्यूरिफिकेशन क्राउंड को शुद्ध करने के लिए कुल 20 गॉड क्रिस्टल की आवश्यकता होती है अवशोषित गॉड क्रिस्टल की वर्तमान संख्या शूंगे यह वस्तु दुष्ट परमेश्वर की शक्ति से क्षतविक्षत हो गई है गोल्डन स्टिग्माटा गॉड क्रिस्टल्स की मदद से इस वस्तु को खराब करने वाली बुरी ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है नष्ट नहीं किया जा सकता मौत पर गिरने का मौका है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बीस्ट सम्राट इतने सारे पौराणिक नकली संत बनाने में सक्षम था वह इस ताज की क्षमता पर भरोसा कर रहा है अथर्व को यह एहसास तब हुआ जब उसने प्योरिफिकेशन क्राउन के गुण पढ़ना समाप्त कर लिया उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सात खजानों में से हर एक स्वर्ग विरोधी था जब किसी प्राणी की क्षमता को बढ़ाने की बात आती थी तो प्योरिफिकेशन क्राउन की प्यूरिफिकेशन फायर स्किल एक अचूक खजाना थी इसका एकमात्र दोष लक्ष्य प्राणी की मृत्यु का अस्सी मौका था जब तक किसी ने पहले ही अपनी गुप्त क्षमता को समाप्त नहीं कर लिया है और अभी भी और सुधार की मांग कर रहा है शुद्धिकरण अग्नि का उपयोग करना उनका अंतिम उपाय होना चाहिए केवल बीस्ट एम्परर जैसा कोई व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर फॉक्स सेंट राक्षसों का आसानी से उत्पादन कर सकता था बिना किसी चिंता के शुद्धिकरण क्राउन का उपयोग कर सकता था जब तक वह एक भी मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षस का उत्पादन करने में कामयाब रहा तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही उसने इस प्रक्रिया में सैकड़ों ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षसों को खर्च कर दिया हो आखिरकार ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षसों का निर्माण एक अविश्वसनीय रूप से सरल प्रक्रिया थी बीस्ट एम्पररर के सामने एकमात्र वास्तविक समस्या आग से जुड़े जादुई क्रिस्टलों को ढूंढना था यदि शुद्धिकरण अग्नि कौशल के लिए साधारण जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता होती तो संभवतः बीस्ट एम्परर के पास दसियों या यहां तक कि सैक्रोंगजारों मिथिक रैंक वाले फॉक्स सेंट राक्षस होते इससे यह भी पता चला कि बीस्ट एम्परर ने अपने समर्थन के लिए सेंट्स हैंड जैसा संगठन क्यों बनाया था यह शुद्धिकरण अग्नि वास्तव में एक रत्न है भले ही इसकी सफलता दर केवल 20 परसेंट है किसी प्राणी की जीवन रेटिंग बढ़ाने की संभावना जोखिम को पूरी तरह से सार्थक बनाती है अथर्व ने शुद्धिकरण अग्नि के प्रभावों को देखते हुए दोहक भरी आभरी शब्द प्राणी का तात्पर्य केवल नकली संत राक्षसों से नहीं था इसमें माउंट्स और एनपीसी शामिल थे वास्तव में शुद्धिकरण अग्नि ने खिलाड़ियों पर भी काम किया केवल काफी कम प्रभाव के साथ अधिक से अधिक यह एक खिलाड़ी के बुनियादी गुणों और शारीरिक गठन को बढ़ा सकता है यह खिलाड़ियों को टीयरचार या उससे ऊपर पदोन्नत होने में मदद नहीं कर सका हालांकि माउंट्स और एनपीसी के लिए यह एक अलग कहानी थी माउंट्स और एनपीसी के लिए उनकी जीवन रेटिंग में सुधार से उनकी पदोन्नति पूरी करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी हालांकि इस समय अथर्व ने शुद्धि अग्नि के साथ प्रयोग करने का साहस नहीं किया कम से कम वह ऐसा नहीं करेगा जबकि कौशल की सफलता दर केवल बीस थी आखिरकार उच्च विकास क्षमता वाले फ़्लाइंग माउंट और पर्सनल गार्ड ढूंढना आसान नहीं था यदि वह बदकिस्मत हो गया और किसी को जलाकर नष्ट कर दिया तो वह निश्चित रूप से पछतावे से मर जाएगा इसके बाद अथर्व ने प्योरिफिकेशन प्राउन के पहले कौशल पर अपनी नज़रें जमाई ज्वाला का यह बीज अच्छी चीज़ है एक शक्तिशाली लॉ सामान्य खिलाड़ियों के लिए अर्थहीन हो सकती है लेकिन यह लाइफस्टाइल खिलाड़ियों विशेष रूप से जालसाजों और कीमियागरों के लिए एक दिव्य उपकरण थी एक शक्तिशाली लॉ होने से उनकी उत्पादन सफलता दर में काफी वृद्धि होगी यह रहस्यमय लपटों के लिए विशेष रूप से सच था यहां तक कि एक टीयर एक रहस्यमय लॉ भी खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण मददगार होगी एकमात्र समस्या यह थी कि रहस्यमय ज्वाला को अवशोषित करना एक अत्यधिक दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था इसके अलावा रहस्यमय लॉ जितनी मजबूत होगी अवशोषण प्रक्रिया उतनी ही दर्दनाक होगी इससे पहले जब अथर्व ने टीयर तीन पर्पल थंडर फ्लेम को बांधा था तो उसे काफी नुकसान हुआ था उनके द्वारा अनुभव किए गए दर्द के स्तर को देखते हुए उन्हें संदेह था कि विशेष लाइफस्टाइल खिलाड़ी टीयर तीन रहस्यमय लॉ को अवशोषित कर सकते हैं आखिरकार उनके विपरीत विशिष्ट जीवन शैली खिलाड़ियों में दर्द के प्रति कम सहनशीलता होती है हालांकि सीड ऑफ फ्लेम स्किल लपटों को सीड्स ऑफ फ्लेम में बदलकर इस कष्टदायी अवशोषण प्रक्रिया को धीमा कर सकता है ज्वाला के बीज को अवशोषित करना सीधे लॉ को अवशोषित करने की तुलना में काफी कम दर्दनाक था खिलाड़ियों को लॉ पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी न्यासंदेह ज्वाला कौशल के बीज के बारे में सबसे अच्छी बात यह नहीं थी कि यह रहस्यमय लपटों को ज्वाला के बीज में बदल सकता था स्किल के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सभी लपटों को ज्वाला के बीज में बदल सकता है आग की लपटों का मतलब सिर्फ रहस्यमयी लपटें नहीं था अन्य प्रकार की लपटें भी थीं जैसे राक्षसों द्वारा निकाली गई लपटें और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली लपटें दूसरे शब्दों में ज्वाला कौशल का बीज एक स्वर्गविरोधी कौशल था जो रहस्यमयी लपटें बनाने में सक्षम था अथर्व को बस शक्तिशाली लपटों की खोज करनी थी और उन्हें रहस्यमय लपटों में बदलना था हालांकि चूंकि प्यूरिफिकेशन क्राउन को सील कर दिया गया था इसलिए यह सबसे अधिक टीयर चार रहस्यमय लपटें पैदा कर सकता था फिर भी यह पहले से ही एक अतुलनीय बहुमूल्य क्षमता थी गॉड्स डोमेन में टीयर तीन रहस्यमय लपटों की दुर्लभता खंडित पौराणिक वस्तुओं के बराबर थी जहां तक टियर चार रहस्यमय लपटों का सवाल है वे मूल रूप से किंवदंतियों की बातें थीं फिर भी शुद्धिकरण क्राउन वास्तव में टियर चार रहस्यमय लपटें बनाने में सक्षम था कोई देख सकता है कि यह क्षमता कितनी स्वर्ग विरोधी थी बेशक ऐसी लॉ ढूंढना जिसे टीयर चार रहस्यमय लॉ में बदला जा सके आसान काम नहीं होगा आख़िरकार ऐसी शक्तिशाली लपटें उत्पन्न करने में सक्षम अस्तित्व एक दर्जन से भी अधिक नहीं थे हालांकि अथर्व तब तक संतुष्ट रहेगा जब तक वह कुछ टीयर तीन रहस्यमय लपटें उत्पन्न कर सकता है कैंडल लाइट ट्रेडिंग फ़र्म के लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के लिए टियर तीन मिस्टेरियस फ्लेम का मालिक होना कुछ ऐसा था जो केवल उनके सपनों में हुआ था अथर्व ने टीयर चार हेलफायर को बाहर निकाला उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी मैंने शुरू में इसे आत्मसात करने से पहले थोड़ी देर इंतजार करने की योजना बनाई थी लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अब आजमा सकता हूं वह लंबे समय से नर्क की आग को अवशोषित करने की आशा कर रहा था हालांकि उन्होंने यह भी समझा कि टीयर चार रहस्यमय ज्वाला पर नियंत्रण पाना अकल्पनीय रूप से कठिन होगा इस प्रक्रिया में उसकी एकाग्रता और दर्द सहनशीलता पर अत्यधिक मांग होगी यदि वह नरक की आग को अवशोषित करने में विफल रहा तो उसे प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए नरक की आग प्राप्त करने के बाद उसने लापरवाही से इसे अवशोषित करने का साहस नहीं किया इसके अलावा टीयर चार पर पहुंचने के बाद उसकी आत्मा काफी मजबूत हो गई थी जिसने उसे काफी लंबे समय तक सोल चेन के खतरे का विरोध करने की अनुमति दी थी उसे इतना जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी हालांकि अब जब उसके पास शुद्धिकरण क्राउन था तो उसे नर्क की आग को अवशोषित करने के जोखिमों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी इसके बाद अथर्व ने नरकंकाल पर शुद्धिकरण क्राउन का उपयोग किया मुकुट ने तुरंत एक चमकदार चमक छोड़ी और एक सुनहरी धुंध ने नर्क की आग को ढक लिया प्यूरिफिकेशन क्राउन से खतरा महसूस होने पर हेलफायर ने हिंसक रूप से विरोध करना शुरू कर दिया उसकी आभा तब तक भड़कती रही जब तक कि उसने सुपीरियर मिथिक राक्षसों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर ली हालांकि शुद्धिकरण मुकुट सात खजानों में से एक था एक वस्तु जिसे अंतरिक्ष की देवी एक प्राचीन देवता द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था भले ही यह आग के मूल खजाने का केवल एक टुकड़ा था इसकी शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे टियर चार रहस्यमयी लॉ रोक सके बीस सेकंड बाद शुद्धिकरण क्राउन ने नर्क की आग को पूरी तरह से भस्म कर दिया और इसे गहरे भूरे रंग की ज्वाला के बीज में बदल दिया अपने वर्तमान स्वरूप में हेल्फायर की शक्ति को काफी हद तक दबा दिया गया था प्रणाली क्या आप नर्कंकाल के बीज को अवशोषित करना चाहते हैं अवशोषित करना सिस्टम के संकेत को देखकर अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के टीयर चार सीड ऑफ फ्लेम को अवशोषित करने का फैसला किया